नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूट्यूब चैनल पर वो PYQ सीरीज चल रही है PAT के, उसी में जो डेयरी का जो लास्ट चैप्टर हमारा बचा हुआ है, डेयरी प्रोडक्ट है जिसका नाम है, ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं PYQ बिना किसी देरी के। हाँ, लेक्चर थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन अपने को आखिरी तक बने रहना है। अगर आखिरी तक बने रहेंगे तो ज़रूर से फ़ायदा होगा। चलो, तो आखिरी चैप्टर है हमारा, इसके बाद से हम क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन के PYQ चालू हो जाएंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एसिडिटी ऑफ स्वीट फ्रेश दही। दही की बात कर रहे हैं भैया, है ना? तो दही की बात चल रही है, तो दही में अगर हम एसिडिटी की बात करें 0.5%, 0.7%, 1% या 2%। तो हम जानते हैं जो दही होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता बेटा कैसा, स्वीट, है ना, इसे आप क्या बोलते हैं, मीठा दही भी बोलते हैं, ठीक है, और एक खट्टा भी आता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों दहियों में हम क्या बात करें, इन दही की जो खटास का कारण है वो क्या होता है बेटा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड दही की खटास का कारण क्या होता है, लैक्टिक एसिड। अगर हम मीठे दही की बात करें तो इसमें जो लैक्टिक एसिड परसेंटेज होता है वो 0.6 से 0.7 होता है, या हम बात करें 0.7, सबसे जो एक्यूरेट आंसर है यही होगा। खट्टे दही की बात करें तो खट्टा दही जो स्टार्ट हो जाता है वो 0.8 से ही हो जाता है, लेकिन इन जनरल हम बात करते हैं ये 1% पे जो है वो हमें खट्टा दही देखने को मिलता है। ये 1% क्या बता रहा हूँ, ये लैक्टिक एसिड का परसेंटेज है। ठीक है, चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या बोला है, मीठे दही की बात करिए तो हमें हमारा एग्जैक्ट उत्तर मिल जा रहा है क्या, 0.7। इसमें थोड़ा सा हमको फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। हाँ, फैट कंटेंट ऑफ खोआ प्रिपेयर्ड फ्रॉम बफेलो मिल्क, है ना, तो खोआ की बात कर रहा है और खोआ में भी किसकी, फैट की। तो हम जानते हैं खोआ में जो फैट, देखो ये तो दिया हुआ, ये भी खोआ का फैट परसेंटेज ही है, लेकिन ये किसका है, काउ मिल्क से बने खोए का, और ये किसका बेटा, बफेलो मिल्क से। आगे इसके और क्वेश्चन आए हैं, खोआ से क्वेश्चन आते हैं, और इन जनरल जब भी उसने क्वेश्चन पूछा है तो किसकी बात करता है, वो बात करता है हमेशा फैट की। ठीक है, तो फैट कंटेंट ऑफ खोआ मतलब भैंस के दूध से बनाए गए खोआ, मतलब क्या होता है बेटा, मावे की बात चल रही, कितना होता है भैंस के दूध से, तो होता है बेटा 37.1%, और गाय के दूध से कितना होता है, 25.7%। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन दिया है, बेसिक डिजाइन ऑफ बटर चर्न, जो बटर चर्नर होता है जिसे मथनी बोलते हैं हम, है ना, गांव में मथनी की बात होती है, लेकिन अगर ट्रेडिशनल वे में देखा जाए कि अगर बड़े स्तर पर हमें क्या करना है, बटर का प्रोडक्शन करना है, तो वहाँ पर चर्न कैसे हो सकते हैं, स्विंगिंग चर्न मतलब झूलने वाले, ये लिखा हुआ है हिंदी में लिखा हुआ बेटा, है ना। दूसरा है रोटेटिंग टाइप, मतलब कि घूमने वाली मथनी, टकराने वाली मथनी, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर तो हो गया बेटा उपर्युक्त सभी। मैं सभी के आपको डायग्राम जरूर से दिखा देता हूँ। ये है देखो, ये क्या है बेटा, ये एक उसका स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर क्या है, एक बड़ा सा चर्नर लगा हुआ है, बॉक्स है ना, ये आपको दिख रहा है, और ये क्या है कि झूल झूल रहा है, मतलब ये किसके ऊपर है, जो लोहे की रोड होन दिख रही है, तो ऐसे झूलता है इस प्रकार से, इसको अगर हम करें तो ये आगे पीछे स्विंग हो जाएगा, झूलने वाली हो गई। ये क्या है बेटा, इसको अगर इस हैंडल को घुमाएं तो ये क्या होगा, रोटेशन होगा, तो क्या बोलेंगे, रोटेटिंग टाइप। और ये क्या है, टकराने वाली, जिसे हम बोलते डेप टाइप, है ना, टकराने वाली, टकराने वाली। इसके अंदर क्या करेंगे, ये इसका ढक्कन है, ढक्कन हटेगा, ये इसके पहले तो इसके अंदर कौन जाएगा, अरे बटन जाएगा, तो हम बात करें कर्ड, इसके अंदर कौन जाएगा, या तो कर्ड जाएगा या तो कौन जाएगा, क्रीम, क्रीम और कर्ड इसके अंदर डालते हैं, और ये वाला जो दिख रहा है इसका हैंडल वाला पार्ट, इसको इस तरीके से हम ऊपर नीचे करके देखते हैं तो क्या होता है, टकराती है, तो इसलिए इसका नाम क्या, टकराने वाली। ये है रोटेटिंग टाइप मतलब घूमने वाली, ये है झूलने वाली, ये तीनों टाइप के चरण मैंने आपको दिखा दिया है। इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा, उपर्युक्त सभी या ऑल ऑफ दीज, ये इसका सही उत्तर था। बढ़ते हैं हम आगे, सब कुछ ठीक चल रहा है बिल्कुल। चलो, फॉर टेस्टिंग एडल्ट्रेशन ऑफ काउ मिल्क विद बफेलो मिल्क, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड, है ना, बात किया है कि काउ मिल्क में बफेलो मिल्क मिलाया है, मतलब कि मेन आपका क्या था वहाँ पर, काउ मिल्क, इसमें कौन सा मिल्क बाहर से मिलाया बेटा, बफेलो का, है ना, है ना, भैंस का दूध मिलाया हुआ है। तो इसके लिए तो हम जानते हैं कौन सा टेस्ट होता है बेटा, हंसा टेस्ट। अरे कौन सा टेस्ट होता है, देखो अब यहाँ से क्वेश्चन कितना प्यारा बन सकता है उसको हम समझते हैं, है ना। पहली चीज क्या बोला है,
फॉर टेस्टिंग एडल्ट्रेशन काउ मिल्क विथ बफेलो मिल्क। देखो गलत समझ लिया अपन ने, क्या बोला है, काउ मिल्क को मिलाया है किसके साथ, बफेलो मिल्क के साथ। थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा, उल्टा पूछा है। एने ने बेटा सुनो मेरी बात, उसने क्या बोला है, भैंस के दूध में किसका दूध मिला दिया, गाय का दूध। किसका दूध मिलाया, देखो हिंदी में पढ़ो, भैंस के दूध में किसका दूध मिलाया, गाय के दूध की मिलावट जांचने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, एक्चुअल में जो हंसा टेस्ट होता है, कौन सा टेस्ट भैया, एक्चुअल में अगर हंसा टेस्ट की बात करी जाए तो हंसा टेस्ट क्यों होता है, हंसा टेस्ट एक्चुअल में किया जाता है काउ मिल्क के अंदर जो बफेलो मिल्क मिलाया जाता है ना, इसके लिए किया जाता है क्या, हंसा टेस्ट। लेकिन चूंकि ऑप्शन जिस तरीके से आया है और क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा गया है, यहाँ पर हमें हंसा टेस्ट को सही बताना पड़ेगा, है ना। पर अगर दोनों, अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि हंसा टेस्ट क्यों किया जाता है, हंसा टेस्ट क्यों किया जाता है, और पहला क्वेश्चन काउ मिल्क में बफेलो मिल्क मिलाया है ना, दूसरा बफेलो मिल्क में कौन सा मिल्क मिलाया, काउ मिल्क, तो इन दोनों क्वेश्चन को जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमें जो सही उत्तर करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा किसके लिए, कि काउ के मिल्क में कौन सा मिल्क मिला है बेटा, बफेलो का मिल्क, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, हंसा टेस्ट किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं है, है ना, तो हमें इसलिए बाय डिफॉल्ट क्या लगाना पड़ रहा है, यहाँ पर हंसा टेस्ट। लेकिन सही सही अगर 100% एक्यूरेट उत्तर देखा जाए तो क्यों किया जाता है, काउ मिल्क में जब हम बफेलो मिल्क की मिक्सिंग कर देते हैं तो इसके लिए टेस्ट होता है। समझ में आया अपना, अगर दोनों ऑप्शन में रहेंगे तो हम क्या लगाएंगे, बफेलो मिल्क इन काउ मिल्क, है ना, कि बफेलो मिल्क को मिला गया है काउ मिल्क के में, है ना, तो ये उसका सही उत्तर होगा। मेरा ये मानना है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जब दोनों ऑप्शन क्वेश्चन घुमा के जब प्राइमरी बोला जाए कि हंसा टेस्ट किसके डिटेक्शन के लिए किया जाता है, तो बफेलो मिल्क इन काउ मिल्क, मतलब कि गाय के दूध में जब भैंस का दूध मिलाया जाता है तो भैंस के दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट कर से, हंसा टेस्ट। बाकी ऑप्शन की थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं तो बुरा लग जाएगा। एल्कोहल टेस्ट, बेटा देखो एल्कोहल टेस्ट क्यों किया जाता है, जब अम्लता का प्रतिशत मतलब एसिडिटी परसेंट 0.2% से जब ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए एल्कोहल टेस्ट किया जाता है। कुल मिला के ये है कि ये बिल्कुल COB जो काम करता है, मतलब क्लोट ऑन बॉइलिंग वाला जो टेस्ट होता है वो क्या बता लगाता है, एसिडिटी 0.2% जब एसिडिटी ज़्यादा होती है तो COB टेस्ट किया जाता है। तो सेम टू सेम उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहल टेस्ट भी कर सकते हैं। पहली चीज, एक होता है स्टार्च एंड पोटेशियम आयोडाइज्ड टेस्ट, ये क्यों किया जाता है, गर्म किए हुए दूध का पता लगाने के लिए। देखो ये क्यों किया जाता है, गर्म किए हुए दूध का पता लगाना, वो कैसे किया जाता है वो बात की बात है ना, कैसे किया जाता है ये बाद में हम समझेंगे। मेन चीज़ ये है कि जो स्टार्च एंड पोटेशियम आयोडाइड टेस्ट है वो क्यों किया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि आप जो दूध का सैंपल लाए हैं वो इसके पहले गर्म किया गया है या नहीं किया गया है। अगर ये गर्म किया गया है तो वो पता लग जाता है, किस टेस्ट से, स्टार्च एंड पोटेशियम आयोडाइज टेस्ट, है ना। हंसा परीक्षण की बात हो गई, एल्कोहल टेस्ट की बात हो गई, स्टार्च एंड पोटेशियम आयोडाइज टेस्ट की बात हो गई है, ठीक है। चलो बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। विच बैक्टीरिया यूज्ड इन द स्टार्टर कल्चर और प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, कर्ड की बात चल रही है मतलब दही की बात चल रही है ना, कि दही बनाने में इनमें से कौन सा कीटाणु बेटा, कीटाणु बोलो या सही उत्तर, सही इसका शब्द क्या होगा, जीवाणु, है ना, कौन से जीवाणु का यूज किया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बात करते हैं इस, ब्रुसेला एबोटस, नहीं बेटा ये तो क्या होता है, ये तो ब्रुसेलोसिस एक बीमारी कोस करता है ना, ये तो बीमारी कोस करता है, ब्रुसेलोसिस जो बीमारी होती है वो तो उसका जीवाणु है। एकेरेशिया कोलाई, जिसे हम ई कोलाई के नाम से भी जानते हैं ना, ये क्या होता है, जो इंटेस्टाइन होती है जो कि आँख होती है उसमें पाया जाता है, तो इसकी बात भी नहीं होगी। तो हम दो ऑप्शन तो सीधे सीधे बाहर कर सकते हैं, हमारे पास जो दो ऑप्शन बचते हैं उसमें से एक है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस और दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस। तो जो बच्चे नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, है ना, वो तो स्ट्रेप्टोकोकस लगा के आ जाएंगे,
लेकिन खास बात यह है कि नोट्स को अच्छे से पढ़ने के बाद भी ये गलत जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इसका यहाँ सही उत्तर जो माना गया है वो क्या है बेटा, लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस। कारण उसका मैं बताता हूँ कि स्ट्रेप्टोकोकस की कुछ स्पीसीज तो क्या होती है बेटा, बेनिफिशियल होती है, जो कि क्या का काम में आती है भाई, जो मिल्क है उससे कर्ड प्रिपरेशन में काम में आती है। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस डाई एसिटी लेक्टिस, है ना, ये कौन सी स्पीसीज है जो कि कर्ड के प्रिपरेशन में काम में आती है। लेकिन यहाँ पर उसने जो है क्लियर नहीं किया है अपने को, और यहाँ पर एक जो बैक्टीरिया है वो स्पेशल क्लियरिफाई करके दिया गया है जिसका नाम है लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस। तो ये जो बैक्टीरिया है इसको कर्ड प्रिपरेशन में काम में लिया जाता है, ठीक है। अब देखो आगे हम चलेंगे और कर्ड और योगर्ट में अंतर भी पड़ेंगे, वहाँ पर अपने को ये समझना थोड़ा ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा बेटा वो होगा लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया आप देख रहे हैं, इस बैक्टीरिया को से जब कर्ड बनाया जाता है ना, तो कर्ड जब बनाया जाता है उस वक्त थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो हाई रखा जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें कर्ड प्रिपरेशन की, कर्ड बनाते हैं, कर्ड मतलब दही बनाते हैं, तो हम रखते हैं 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कभी कहीं कहीं पर आपको 20 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस या 22 से 24 या 20 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो एक्चुअल में जो कर्ड प्रिपरेशन टेम्परेचर, बोले सर ये रामायण क्यों बता रहे हो, ये रामायण इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन आए हुए है ना। तो कर्ड प्रिपरेशन का अगर बात करें और एक्चुअल टेम्परेचर देखा जाए तो उसका क्या होगा, 21 डिग्री सेल्सियस, है ना। लेकिन ये जो लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस है इसको टेम्परेचर बेटा लगता है थोड़ा सा ज़्यादा, इसको लगता है 40 से 42 डिग्री के अराउंड, समझ में आपने को। और यही का सेम टू सेम जो टेम्परेचर है, ये जो योगर्ट होता है, जो दही का ही एक प्रकार मान लीजिए आप, दही जैसा ही होता है, योगर्ट बनाने में यही टेम्परेचर यूज़ किया जाता है। थोड़ी सी जो बात बची हुई है वो आगे करेंगे, है ना। तो क्या बोला है कि विच बैक्टीरिया यूज्ड इन द स्टार्टर कल्चर प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, तो इसका सही उत्तर है लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस, याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, ट्राइटेबल एसिडिटी ऑफ गुड क्वालिटी स्वीट एंड सोर कर्ड शुड बी रेंज ऑफ, क्या बोला है कि अनुमापन अम्ल, मतलब लैक्टिक एसिड परसेंटेज की बात कर रहा है। यहाँ से एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो ट्राइटेबल एसिडिटी है, कौन सी एसिडिटी भैया, ट्राइटेबल एसिडिटी किसको बताती है, तो हमें बताना चाहिए कि लैक्टिक एसिड के परसेंटेज को, है ना। तो ट्राइटेबल एसिडिटी होती है वो किसको बताती बेटा, लैक्टिक एसिड के परसेंटेज को, पहला क्वेश्चन। अब हमारे एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला है कि स्वीट और सोर कर्ड, मतलब कि मीट खट्टे, है देखो बेटा अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखा जाए तो बोल रहा है क्या स्वीट और सोर, मतलब मीठे और खट्टे, नीचे बोल रहा है क्या खट्टे और मीठे दही, है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन तो हिंदी वालों का सही चले जाएगा, लेकिन क्वेश्चन की संरचना गलत है ना, पहला मीठा आना चाहिए और खट्टा आना चाहिए ताकि उसको व्यक्ति सही से बता सके, है ना। व्यापम है, कुछ भी कर सकता है ना। स्वीट तो हम जानते हैं, स्वीट कर्ड 0.7, खट्टा दही 1%, चलो मिल रहा है ऐसा, ये हो सकता है नहीं, ये हो सकता है नहीं, नहीं एक ही ऑप्शन बच रहा है। देखो अब 0.8 बोल दिया इसने, 0. इसको बढ़ा के 8 ले गया और इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया, है ना, समझ में आपने को। आसान सा क्वेश्चन था, एलिमिनेशन से हम क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन, इंक्यूबेशन टेम्परेचर ऑफ कर्ड, देखो बेटा आ गया इंक्यूबेशन टेम्परेचर, उष्मापन ताप दही के लिए कितना होता है, मतलब कि जब दही आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको किस टेम्परेचर पर आप इंक्यूबेट करेंगे या उसको बनाएंगे। तो हम जानते हैं कि जो कर्ड प्रिपरेशन होता है, फिर से बता रहा हूँ बेटा, है ना, कर्ड प्रिपरेशन होता है, कर्ड प्रिपरेशन के लिए जो बेस्ट टेम्परेचर होता है वो होता है 20 से 24 डिग्री सेल्सियस या 21 डिग्री सेल्सियस, हमारी बुक में लिखा हुआ है, कुछ स्टैंडर्ड बुक 22 से 24 डिग्री सेल्सियस भी लिखती है, लेकिन बात वही है कि 20 से 24 के बीच में मामला घूम रहा है। लेकिन 37, 40, 95 और 12, अब हम जानते हैं इसमें से हमको कोई भी उत्तर सही नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसने उत्तर क्या माना है बेटा सही, उसने 37 डिग्री सेल्सियस को सही उत्तर माना है। अब बोले कि सर इसको सही क्यों माना है, फिर वही बोल रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चनों में क्या होती है कि वो कहाँ से उठा रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, इसका कुछ
किया नहीं जा सकता, है ना, उसने किस चीज़ का रेफरेंस लिया है। कभी कभी हम क्वेश्चनों पे ऑब्जेक्शन लगाते हैं, ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, आते ही कैंसिल होने के लिए, है ना, तो लोड नहीं लेना। लेकिन देखो अब 37 क्यों लगाया है, उसका भी कारण है कि हमारा जो एक्चुअल आंसर वहाँ पर है, दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, तो एक्चुअल आंसर तो ये होना चाहिए। हाँ एक आंसर और होता है बेटा, और बताओ जो CBSE दिल्ली की बुक है ना, जो दिल्ली CBSE की बुक है, उसमें 37 डिग्री खुला खुला लिखा हुआ है। 37 डिग्री गलत नहीं है, सही है, बस वही है कि जो रेफरेंस का बुक्स का अंतर आ जाए उसका अपन तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन 40 भी सही हो सकता था, क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप दही बनाने के लिए कौन सा एरिया यूज़ कर रहे हो, है ना। हम बात करते हैं योगर्ट की, जो योगर्ट होता है जो दही जैसा ही होता है, तो उसको बनाने के लिए जो बैक्टीरिया लगते हैं वो लगते हैं बेटा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, थर्मोफिलस, और एक होता है बुल्गेरिस, है ना, ये दो बैक्टीरिया उसको बनाने में लगते हैं। और इन जो बैक्टीरिया की बात अगर हम करें तो ये कैसे है, एक होता है साइक्रोफिलिक, एक होता है मीजोफिलिक और एक थर्मोफिलिक। थर्मोफिलिक ऐसे बैक्टीरिया जिनको बनाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर, और ये जो बैक्टीरिया है ये 40 से 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही काम करते हैं। समझ में आया अपने को, क्लियर है, तो ये आ सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल आ सकता है, आने की पूरी पूरी संभावना है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, कर्ड प्रिपरेशन के लिए जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है वो होता है हमारा 21 डिग्री सेल्सियस। बढ़े आगे, चलो, येलो कलर ऑफ घी ऑब्टेन फ्रॉम काउ इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मतलब कि जो गाय का घी होता है उसका जो येलो कलर होता है वो क्यों होता है, अब इसको समझते हैं। एक होता है बाइल, एक होता है जेंटोफिल, एक है यूरोबिलिन और एक है केरोटीन। हम इसका सही उत्तर तो दे सकते हैं बिल्कुल आसानी से, किसके कारण बेटा, केरोटीन के कारण, है ना। बाइल क्या है, हमारा कुछ काम का नहीं है, जो लीवर है उससे निकलने वाला एक फ्लूइड है, अपने को उतना मतलब नहीं है। जेंटोफिल की अगर बात करें तो ये भी पीले रंग का वर्णक होता है, लेकिन ये मिल्क में रिस्पॉन्सिबल उतना नहीं है। उसके बाद हम बात करें यूरोबिलिन, तो ये भी येलो कलर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है ना, लेकिन येलो कलर ऑफ यूरिन, है ना, यूरिन मतलब जो हमारा मूत्र होता है, मूत्र का जो पीला कलर होता है, येलो कलर होता है, वो इसी के कारण होता है। और केरोटीन के कारण हमारे जो दूध होता है, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, उनके येलो कलर का जो मेन रीज़न होता है वो केरोटीन होता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बाकी ऑप्शन की बात कर ली है। चलो, बाय विच मेथड क्रीम इज ऑब्टेंड फ्रॉम मिल्क, आसान सा क्वेश्चन है, ग्रेविटी मेथड, है ना, क्रीम की बात कर रहा है कि बाय विच मेथड क्रीम इज ऑब्टेंड फ्रॉम मिल्क। ग्रेविटी मेथड बिल्कुल करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मेथड हाँ करते हैं, क्रीम सेपरेटर से करते हैं, बोथ ए एंड बी, हाउ, मान लिया, नॉन ऑफ दिस, इसका सही उत्तर होगा सी, नॉर्मल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, द फैट परसेंटेज ऑफ घी, बहुत कॉमन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, चिल्ला चिल्ला के मर जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। क्या बोला है कि घी में फैट परसेंटेज कितना होता, हम जानते हैं 99.5%, बिना दिमाग लगाए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द रेशो ऑफ लैक्टोज प्रोटीन एंड एश, हम इसको याद कराते हैं किसके बेटा, एल पी एम का रेशो आपको याद कराया था, चिल्ला चिल्ला के याद कराया था, है ना, एक तो किसका, काऊ का और बफेलो का, है ना। काऊ का कितना था बेटा, 13, 9, 2, 12, 10, 2, है ना, 13, 9, 2, 12, 10, 2, फिर से 13, 9, 2, 12, 10, 2, ये किसका, काऊ और बफेलो का। अब बताओ किसका पूछा है भैया, भैंस के दूध में, भैंस के दूध ये रहा, मतलब 12, 10, 2 और 13, 9, 2, ये किसका है, काऊ का, क्लियर है, बड़े आएंगे। चलो, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आइसक्रीम इज, आइसक्रीम की बात करते, बोले सर आइसक्रीम तो हमारे सिलेबस में है नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ नोट्स को अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें दिया हुआ है ना। हम बात करते हैं आइसक्रीम की, लास्ट वाले पन्ने पर लिखा हुआ है आइसक्रीम का कंपोजिशन। आइसक्रीम ऐसा मिल्क प्रोडक्ट जिसमें 36% क्या होता है बेटा, टोटल सॉलिड, हिंदी मीडियम वालों कुल ठोस, है ना, 10% क्या होता बेटा, फैट, वसा, और 3.5% क्या होता है, प्रोटीन, है ना। तो बता दो क्या है इसका मेन, टोटल सॉलिड तो है ही नहीं,
तो वो तो आएगा ही नहीं। टोटल सॉलिड तो होते भी है लेकिन टोटल सॉलिड तो आंसर लगा नहीं सकते, कॉमन सेंस वाली बात है। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है बेटा इसका? फेट। हाँ दिख रहा है अपने को, ये रहा। चलो पढ़ते हैं बात। स्टार्च एडल्ट्रेशन इन मिल्क कैन बी डिटेक्टेड बाय, है ना? चलो स्टार्च की बात करते हैं, तो आपको चिल्ला चिल्ला के बताया है स्टार्च जो टेस्ट किया जाता है वो किसकी मिलावट के लिए किया जाता है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं स्टार्च की मिलावट का, और आयोडीन टेस्ट बेटा, आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? हमने चिल्ला चिल्ला के बताया था स्टार्च मतलब कि विभिन्न प्रकार, जितने भी प्रकार के जो आटे होते हैं, अगर दूध में आटे की मिलावट की जा रही है, किसकी? दूध में कोई सा भी आटा मिलाएंगे तो आटे के अंदर स्टार्च तो होता ही है। तो स्टार्च के डिटेक्शन के लिए हम कौन सा टेस्ट करते बेटा? आयोडीन टेस्ट। एजुरिन टेस्ट ऐसा कोई टेस्ट मिल्क के लिए होता नहीं है। फेलिंग टेस्ट जरूर से होता है रिड्यूसिंग शुगर के लिए, लेकिन अपने को उससे मतलब नहीं उतना। रिड्यूसिंग जो शुगर होती है उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? फेलिंग टेस्ट, है ना? चलो बढ़ते हम आगे। ठीक है, तो ये तो होता ही नहीं है, इसका आपको बता दिया। आयोडीन टेस्ट इसका सही उत्तर है। चलो बढ़ते आगे। और लेक्टोज कंटेंट इन स्किम मिल्क योगर्ट, देखो क्या बोला है, योगर्ट की बात करी है। मतलब जब योगर्ट अपन ने पढ़ा है कि अलग से योगर्ट तो नहीं पढ़ा भैया सिलेबस में। हाँ लेकिन हमने क्या पढ़ा है? कर्ड। कर्ड जरूर से पढ़ा है, मतलब क्या पढ़ा है? दही। तो जो हमको दही के बारे में याद है वो सेम टू सेम मामला किसका भी हो जाएगा? योगर्ट का। बस अंतर कहाँ आ जाता है? अंतर आ जाता है उसके जो बैक्टीरिया है उसमें अंतर आ जाता है, जो प्रोसेस होती है मतलब लैक्टिक एसिड बनने की जो प्रोसेस होती है उसमें अंतर आ जाता है। कुल मिला के बात करें बैक्टीरिया और टेम्परेचर, इन दो का अंतर होता है कर्ड और योगर्ट में, है ना? तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि लैक्टोज कंटेंट किस में? दही में। दही के अगर लैक्टोज कंटेंट की बात करें तो उसमें होता है बेटा 4.6 से, कितना बेटा? लेकिन ये किसकी बात कर रहा है? स्किम्ड मिल्क योगर्ट की बात कर रहा है। ये तो क्या है? होल मिल्क। होल मिल्क से बना जो दही होता है 4.6 से 5.2, और स्किम्ड मिल्क से बना जो दही होता है उसके अंदर कितना होता है? उसके अंदर होता है 4 से 4.5%। तो इसके आसपास का आंसर अपने को देना है। अब इसके आसपास का अगर हम देखें तो दोनों को ये जो है तो अपने को यही लगाना पड़ेगा, है ना? चलो बढ़ते हम आगे। हार्ड चीज़ प्रिपेयर्ड बाय, चीज़ बन किससे प्रिपेयर किया जाता है, वो भी हार्ड वाला। तो देखो प्रोटोजोआ से कोई चीज़ प्रिपेयर नहीं होता बेटा, ना हार्ड ना सॉफ्ट, ये तो फोकट की चीज़ हो गई। वायरस कब से चीज़ प्रिपेयर करने लगा? इसमें एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है क्या बेटा? बैक्टीरिया, और यही उसका सही उत्तर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, दो ऑप्शन हटाने थे, जिंदे दिख रहे हैं कि हटाना ही है। फैट कंटेंट इन खोआ मेड फ्रॉम काउ मिल्क, देखो अभी बताया था ना अपन ने, 25, 1 में 37 की बात बोली थी। ये रहा, ये किसका है? काउ मिल्क का। ये किसका है? बफेलो मिल्क का। चलो बढ़ते आगे बेटा। ये देखो मैंने लगाया भी है खोआ मावा, है ना? ये तो क्या हो गया बेटा? वाटर। और ये रहा आपका फैट। ये टेबल आपके नोट्स में है ना, अगर पढ़ी होगी तो। ये रहे 25.7 किसके? काउ मिल्क में। और बफेलो मिल्क में कितना बेटा? मिल्क नहीं बेटा, बफेलो मिल्क का मेरे बोलने का मतलब है कि बफेलो मिल्क से बना जो खोआ या मावा है उसके अंदर, है ना? तो कुछ भी मत सुनते रहना। हाँ अगला क्वेश्चन है, मिल्क पाउडर इज यूज्ड इन, मिल्क पाउडर किस में यूज होता है? कितना टाइम वगैरह? 24 मिनट 17 क्वेश्चन। हाँ चलो, मिल्क पाउडर इज यूज्ड इन री कंसनट्रेटेड मिल्क, भैया है ना, पुनः सांद्रित दूध, रिकम्बाइंड मिल्क, टी, ऑल ऑफ दीज। क्या रिकंसनट्रेट मिल्क बनाने में दूध पाउडर का यूज होता है? हाँ बिल्कुल होता है। रिकम्बाइंड मिल्क बनाने में भी दूध पाउडर का यूज होता है? बिल्कुल होता है। चाय बनाने में भी होता है? सभी। खत्म क्वेश्चन था, ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। चलो, फैट परसेंटेज फाउंड इन बटर, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू अगर हम डेफिनेशन भी बात करते हैं तो मिनिमम फैट परसेंटेज क्या हो जाता है भैया? मिनिमम फैट परसेंटेज कितना है? 80%। 16% इसके अंदर क्या होता है? मॉइस्चर,
डेफिनेशन। और 4% क्या होता है? ओदर कंटेंट। इस 4% में अगर हम बात करें, इसे 2 से 2.5% क्या होता बेटा? साल्ट, है ना, अगर बटर साल्टेड है तो। ठीक है, ये पूरे बटर की अपन ने डेफिनेशन लिख ली है। अब बता दो 80.2 बिल्कुल एग्जैक्ट अगर उस टेबल को देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है। ये देखो मक्खन क्रीम से प्राप्त कितना? 80 से 82। और अगर मक्खन नमकीन है तो 80.2, और यही पूछा गया है। सब नोट्स में से आ रहा है। और देखो थोड़ा दिमाग लगा के अगर हम कोई भी चीज़ याद करेंगे तो दिमाग लगा के याद करना चाहिए, है ना। अगर कोई बटर है तो बटर में क्या पूछेगा? बटर में प्रोटीन तो पूछेगा नहीं, है ना, बटर में ये तो पूछेगा नहीं, बटर में ये सो पूछेगा नहीं, वो क्या पूछ सकता है? बटर में सबसे काम की चीज़ क्या है बेटा? फैट। तो हर चीज़ नोट्स में जो लिखी है वो रटने के लिए नहीं होती, थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर हम याद करना चाहेंगे तो आसानी से। अगर घी में उसको पूछना होगा तो घी में क्या पूछेगा मुझे बताओ? घी में सबसे काम की चीज़ क्या होती है? फैट। फैट ही पूछेगा वो, है ना। अगर हम बात करें चीज़ में, तो चीज़ में पूछना चाहेगा तो मेनली वो चीज़ में उसको क्या पूछना चाहिए? चीज़ में या तो उसको पूछना चाहिए प्रोटीन, सबसे इम्पोर्टेंट, या तो उसको दूसरे नंबर पर क्या पूछ लेना चाहिए? फैट पूछ लेना चाहिए, है ना। तो जब भी याद करो नोट्स तो थोड़ा दिमाग लेके, है ना। चेना, चेना नहीं बेटा छेना होता है। छेना इज यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्वीट, मतलब छेना का उपयोग कौन सी मिठाई बनाने में किया जाता है? रसगुल्ला बिल्कुल बनता है, छेना या चक्के से बनता है। राजभोग भी बनता है, संदेश जो मिठाई है वो भी बनाई जाती है, सभी इसका उत्तर है ना। और बनाई जाती है, इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकता, बनाई जाती है। आप भी कोई सी नई मिठाई बना दो तो उसका हम नाम अपन लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेराइटी ऑफ चीज, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ की वेराइटी नहीं है? क्या कॉटेज चीज है भैया? चेडार चीज है भैया? सूरती चीज है भैया? नन ऑफ दीज। भैया इसका सही उत्तर क्या होगा? नन ऑफ दीज। सभी वेराइटी है, कॉटेज भी आता है, चीज चेडार भी आता है, सूरती भी होता है, नन ऑफ दीज इसका सही उत्तर होगा। चलो बढ़ते आगे। स्टार्टर फॉर कर्ड कंटेंट्स, है ना, कर्ड के लिए स्टार्टर क्या होगा? बेसिलस सबटिटलिस, सबटिलिस सबटिटलिस नहीं सबटिलिस, है ना, ये जो एनिमल है उनकी इंटेस्टाइन में मिलता है, आंत में। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बिल्कुल करते हैं भैया। एकेरेशिया कोलाई मैंने अभी बताया नहीं करते, ये भी इंटेस्टाइन में पाया जाता है, हानिकारक आइटम है। राइजोबियम, भैया राइजोबियम भी एक बैक्टीरिया है, लेकिन इसका महत्व डेयरी में नहीं, इसका महत्व क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत है। क्रॉप प्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो जो सीरियल क्रॉप होती है उनमें जो लेग्यूम्स होती है, जो लेग्यूम क्रॉप होती है, उन लेग्यूम क्रॉप की जो रूट नोड्यूल्स होती है, उन रूट नोड्यूल में क्या पाया जाता है? यही राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है सॉइल के अंदर। और वो सॉइल कि जो नाइट्रोजन है कौन प्लांट यूज कर लेता है, इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और राइजोबियम वही बैक्टीरिया है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस का सही उत्तर होगा। बिल्कुल आसान सा खत्म क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है मॉइस्चर परसेंटेज इन मिल्क पाउडर। बिल्कुल सही बात है भैया, हम जानते हैं मिल्क पाउडर को, मिल्क पाउडर जो होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन से दो टाइप का? एक होता है होल मिल्क पाउडर, एग्जाम वाला ये लिख के दे देगा, हमारा दम निकल जाएगा, बोले ये क्या होता है WMP और SMP, मतलब स्किम्ड मिल्क पाउडर। इसकी अगर हम बात करें तो ये होता है बेटा 96, क्या 96 टोटल सॉलिड कितने परसेंटेज? 96%। मॉइस्चर कितना आ जाएगा? 4%। इस टोटल सॉलिड के अंदर अगर हम देख ले तो फैट कितने परसेंटेज? मिनिमम फैट 26%। इधर भी बात कर लेते, टोटल सॉलिड इधर कितना आ जाएगा? 95%। मॉइस्चर कितना आ जाएगा? 5%। और इधर कितना आ जाएगा? 1.5%। 1.5% क्या होगा? 105 नहीं रहे, 1.5 है ना, 1.5% क्या हो जाएगा? फैट हो जाएगी, ये फैट होगा मैक्सिमम, है ना। चलो ये पूरा कंपोजिशन लिख दिया अपन ने मिल्क पाउडर का, दो टाइप के मिल्क पाउडर होते हैं, उसने कौन सा पूछा ऐसा कुछ दिया नहीं, दूध पाउडर ही बोला है। क्या होता है भैया? ये नहीं है। सही उत्तर क्या है? 5%। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, व्हाट इज द मैक्सिमम फैट परसेंटेज इन घी? घी का वापस फैट परसेंटेज पूछा है, ये होना तो ये नहीं और ये, हाँ चलो 80 किसका होता है? ये बटर का है ना। अगला क्वेश्चन, मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू दही ड्यू टू
मिल्क जो है वो दही में कन्वर्ट हो जा रहा है, कारण पूछ रहा है उसका, है ना। स्ट्रेप्टोकोकस के कारण बिल्कुल होता है, लेक्टोबेसिलस के कारण, हाँ सही बात है, स्टिफिलोकोकस, ये तो कोई दूसरा ही आइटम दिख रहा है, ऐसा कोई मैंने नहीं सुना, तुमने सुना है? मैंने नहीं सुना, चलो ये भी होता है बेटा, बैक्टीरिया ही है स्ट्रेप्टोकोकस। लेकिन फिर वही बात है कि स्ट्रेप्टोकोकस की बहुत सारी स्पीसीज होती है, उसमें से कुछ हार्मफुल भी होती है, इसने क्लेरिफाई नहीं किया। वही लास्ट वाला क्वेश्चन का कंसेप्ट फिर से आया है, लेकिन यहाँ उसने क्लेरिफाई कर दिया लेक्टोबेसिलस। तो जैसे ही लेक्टोबेसिलस देखो दिखे अपने को, लगा दो। देखो एक कुछ रूट वर्ड नाम की भी एक चीज़ होती है, आप उसको अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। रूट वर्ड क्या होता है, जिनसे एक कोई शब्द होता है जिससे बन के दूसरे शब्द बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रो की बात करें, है ना, तो हाइड्रो वर्ड किसको दिखाता बेटा, वाटर को, या लिक्विड की हम बात करें, है ना। अगर उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे जियो वर्ड है, अर्थ के लिए यूज होता है ना, तो वैसे ही है रूट वर्ड होते हैं, उसमें से अगर हम बात करें लेक्टो की, जो लेक्ट वर्ड है या लेक्टो वर्ड है, ये इन जनरल मिल्क के लिए यूज़ होता है। इसके लिए यूज़ होता है मिल्क के लिए। जैसे हम बात करते हैं, हम कोई कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं या शुगर पढ़ते हैं ना, तो जितनी भी हम शुगर पढ़ते हैं उसमें क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, है ना, फिर गैलेक्टोज, माल्टोज, ओज़ोज़। मतलब शुगर जब जहाँ भी आ रही है वो आखिरी में हम क्या लगा दे रहे हैं, ओज ओज लगा दे रहे हैं ना, OSE, है ना, ओज लगा दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं कौन किस किस शक्कर की बात चल रही है भैया, दूध की। तो दूध के लिए क्या यूज़ होता है बेटा, लेक्ट या लेक्टो होता है, तो हमने लगा दिया लेक्टो, तो क्या बन गया, लेक्टोज, है ना, ये हो गया लेक्टोज। मतलब किसकी दूध, शक्कर, दूध की, लेक्टोमीटर, दूध को मापने वाला, लेक्टोमीटर। तो एक ऐसा होता है कि अगर आप कुछ रूट वर्ड को पकड़ लेंगे ना, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे ही सही कर सकते हैं। और अगर आपने रूट वर्ड को पकड़ के एक दो क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में जो नए क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व कर दिया, बाकी लोगों से बहुत आगे निकल सकते हैं। लेकिन वही बात है, जब पढ़ाई करते हैं ना, इसको भेजे को साथ में लेके बैठना हो रहता है। चर्निंग इज डन फॉर, चर्निंग किसके लिए की जाती, प्यारा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। समझते क्या बोल रहा है कि चर्निंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, घी मेकिंग के लिए किया जाता है। समझते हैं, मतलब पहले तो मिल्क है, मिल्क से या तो हम क्रीम बनाएंगे या तो दही बनाएंगे, हम देसी विधि क्रीम, चलो क्रीम बना लो, है ना। और क्रीम से हम क्या, क्रीम के क्या करेंगे, चर्निंग, चर्निंग, और क्या बनाएंगे बेटा, बटर, क्या बनाएंगे, बटर। और उस बटर को जब हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तब जाके हमारा बनेगा घी। बात सही है कि घी बनाने में चर्निंग का यूज़ किया कि नहीं किया, किया, लेकिन डायरेक्ट भी बन जाता है। कैसे, इस क्रीम को भी जब हम हीट करोगे तब डायरेक्ट घी बन जाएगा। तो करते हैं, लेकिन हर बार होगा ही होगा इसका यूज़, कंपलसरी नहीं है ना। और दूसरी बात, दही मेकिंग के लिए नहीं, दही मेकिंग के लिए इसका चर्निंग का यूज, हाँ दही की चर्निंग जरूर की जाती है, लेकिन दही बनाने के लिए चर्निंग नहीं की जाती, रबड़ी के लिए फालतू बात है। क्रीम मेकिंग के लिए, क्या क्रीम मेकिंग के लिए, देखो क्रीम बनाने के लिए इन जनरल हम चर्निंग का यूज़ नहीं करते हैं, है ना। लेकिन आपको अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये क्वेश्चन सही भी है और गलत भी है। इसका सामने वाले ने जो उत्तर माना है वो माना है बेटा क्रीम को, क्रीम मेकिंग के लिए। और मैंने जब आपको शायद से 5वां चैप्टर जब सोल्व कराया था, उस टाइम जब क्रीम सेपरेटर पढ़ा रहा था, उस टाइम शायद आपको ये बात बताई थी, 2-3 लेक्चर में कहीं ना कहीं तो मैंने ये बात बताई थी जब क्वेश्चन आया था, कि आप चर्निंग करके भी डायरेक्ट क्रीम बना सकते हैं ना, कुछ नहीं करना है, मिल्क लेना है और मिल्क के जब डायरेक्ट चर्निंग करेंगे तब भी उससे क्रीम बन जाता है। तो इसका सही उत्तर उन्होंने क्या माना है, क्रीम माना है, लेकिन घी भी सही उत्तर है, क्रीम भी सही उत्तर है। वही बात है, कभी कभी कुछ क्वेश्चनों का कुछ किया नहीं जा सकता। चलो बढ़ते हैं हम आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंबाइंड सोर्स ऑफ फैट एंड SNF, निम्नलिखित में से कौन सा वसा और SNF के संयोजन स्रोतों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, मतलब जिसमें वसा भी मिलेगी SNF, मतलब पूरा पूरा दूध मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब लेक्टोज पाउडर, भगुदर, सूखा दुग्ध पाउडर, स्किम्ड, अरे क्या बोल रहे, देखो सूखा दूध पाउडर, इसका अंग्रेजी क्या दिया बताओ, स्किन, अरे स्किन नहीं रे भैया, स्किम है ना, स्किम मिल्क पाउडर, भगोदर, मट्ठा पाउडर, वे पाउडर, मीठा संघनित दूध, ना तो ऑप्शन ही बाहर हो गए। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ घी शुड बी,
मतलब कि घी में जो नमी का प्रतिशत है, नमी की मात्रा वो कितनी होनी चाहिए, 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 5 नहीं सॉरी 0.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बात सही बोल रहा है बंदा। अब 2-3% निकलो उधर, लेस देन 1%, 1% से कम होनी चाहिए, बात सही है, लेकिन एक से नहीं भैया, इससे भी कम होनी चाहिए। और ये तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। सही उत्तर क्या है बेटा? आसान सा क्वेश्चन है, जबरन टाइम पास करेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन, व्हाइल प्रिपेयरिंग बटर, प्रिपेयरिंग प्रिपेयरिंग ने प्रिपेयरिंग थोड़ा इंग्लिश का है ना। व्हाइल प्रिपेयरिंग बटर द चर्न शुड बी फिल्ड अप टू, मतलब कि जब हम बटर बना रहे हैं ना, देसी आइटम समझा रहा हूँ है ना, हमने इसके ऊपर क्या डाल रखी बेटा, मथनी रखी है ना, मथनी रखी, इसके अंदर हमने डाला है, ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा कांच की बर्नी समझ लो तुम इसको ना, ये आपकी मशीन है, ये घूमेगी। तो बात वही है कि जो इसको मक्खन से आप फिल करेंगे तो मक्खन से कितना फिल करेंगे, तो बोला जाता है कि मक्खन से या तो उसको आप आधा फिल कर दो या 1/3 इतना फिल कर, है ना। तो ये दो, इतना लेवल से लेकर इतने लेवल तक आप इस चरणों को फिल कर सकते हैं। किससे भैया? मक्खन से? नहीं, मक्खन तो बाद में बनेगा, या तो इसमें दही डालेंगे या तो क्रीम डालेंगे। तो बाबू इसमें क्या बोला है? कहीं नहीं बोला, व्हाइल प्रिपेयरिंग बटर द चर्न शुड बी फिल्ड अप टू, चर्न को भाई आप क्रीम से भी फिल कर सकते हो, दही से फिल कर सकते हो, लेकिन करना कितना है? तो इसका सही उत्तर होता है 1/3 से 1/2। तो ये इसका ये उत्तर भी सही है, ये उत्तर भी सही है, इसके दो उत्तर सही है, ठीक है। चलो ऐसे क्वेश्चन कैंसिल हो जाते हैं इन जनरल, है ना, जिनके दो उत्तर सही होंगे, या तो जिन्होंने दोनों लगाया होगा उन दोनों को नंबर मिल जाएंगे, या तो उड़ जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना। IBT सिस्टम सप्लाई टू डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट, मतलब कि IBT सिस्टम क्या सप्लाई करता है जो डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं उनको। तो सबसे पहले तो IBT का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, है ना। तो IBT इसका फुल फॉर्म होता है आइस बैंक, अजीबोगरीब फुल फॉर्म है, टैंक है ना, क्या बोला, आइस बैंक टैंक, मतलब एक ऐसा टैंकों का बैंक है, टैंकों का बैंक नहीं मतलब जिसमें बेटा आइस मतलब जिसमें ठंडा पानी रहेगा ना, तो आइस बैंक टैंक इसका पूरा, इस सिस्टम का पूरा नाम है, ये सिस्टम है ना, एक सिस्टम वो भी है सिस्टम जो जेल में पड़ा हुआ सिस्टम है अभी, क्या नाम है उसका, अरे वो चल नहीं रहा है अभी, मेरे को याद भी नहीं आ रहा क्या नाम है, कैसे कैसे लोग फेमस हो जाते हैं। हाँ, तो IBT सिस्टम की बात चल रही है, फुल फॉर्म है आइस बैंक टैंक, है ना, और जैसे आइस है तो सीधी सीधी बात है, ये डेयरी प्रोसेसिंग में डेयरी प्रोसेसिंग में जो प्लांट होते हैं उनमें कहीं अगर ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ रही है ना, इसकी ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो इस सिस्टम से प्रोवाइड होता है, ये सिस्टम का नाम है बेटा, है ना, आइस बैंक टैंक सिस्टम, IBT सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। तो ठंडे पानी की बात चल रही थी, ये उसका, जैसे हमने चिल्ड वाटर कहा है ना, तो कंडेंस्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टेराइल वाटर, फालतू की चीज़। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, द टेस्ट डेट यूज्ड टू मिल्क प्लांट टू डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिटी इन मिल्क, क्या बोला है, दूध में अम्लता निर्धारित करने के लिए दूध संयंत्रों का उपयोग किया जाने वाला परीक्षण है, मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट, मिथाइलिन ब्लू बोले या मिथाइलिन रेड बोले, है ना, ये दोनों टेस्ट है, मतलब ए ऑप्शन जो दे रहा है मिथाइलिन ब्लू वाला या रेड वाला, तो ब्लू वर्ड दिखे या रेड वर्ड दिखे, है ना, ये दोनों टेस्ट किया जाता है बैक्टीरिया के लिए, कौन सी रिया के लिए, बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। अल्कोहल टेस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये किसके लिए किया जाता है, बिल्कुल एसिडिटी के लिए किया जाता है, इसका एक छोटा भाई भी होता है जिसे हम बोलते हैं COB, COB छोटा भाई नहीं बड़ा भाई है ना, तो ये भी एसिडिटी के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर टेस्ट किया जाता है किसके लिए बेटा, डेंसिटी के लिए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क या SNF के लिए या टोटल सॉलिड के लिए, तीन चीज़ों के लिए आप लेक्टोमीटर का यूज़ कर सकते हैं, या प्यूरिटी ऑफ मिल्क जिस सीधा सीधा भाषा में कहे तो। एक गर्बर टेस्ट होता है जो कि किया जाता है बेटा फैट टेस्ट, है ना, तो ये सारे ऑप्शनों की हमने बात कर ली। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, काफ़ी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं और हमारे सही भी होंगे। चलो बढ़ते आगे, द इंडियन नेम ऑफ क्लेरिफाइड बटर, मतलब बटर को क्लेरिफाई करना है, मतलब करने के बाद जो मिल्क प्रोडक्ट बनेगा उसके हम क्या बोलेंगे इंडिया में, है ना, तो क्या है बेटा, दही है, घी है, बटर मिल्क है और क्रीम है।
क्लेरिफाइड बटर फैट भारतीय नाम है बेटा। घी फोकट खत्म क्वेश्चन है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों क्यों लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 80% फैट प्लस 16% क्या मॉइस्चर और 4% जो ओदर मटेरियल, ऐसे कंटेंट को जब हम क्या करेंगे गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद ये जो आइटम है ये तो उड़ जाएगा। ये आइटम कौन से, जो वाष्प बन के पानी तो है उड़ जाएगा, और जो 4% ओदर है ये नीचे तली में जम जाता है ना। आपने देखा घर में जब हम मक्खन को गर्म करके घी बनाने की कोशिश करते हैं, कोशिश के कर थोड़ी करते बनाते ही है, कोशिश क्या करते हैं तो बनाते हैं, तो नीचे आपने देखा होगा काले भूरे कलर का, बादमी कलर का एक पदार्थ जमा हो जाता है, जो सेडिमेंट होते हैं। हर गांव में हर इलाके में अलग अलग बोला जाता है, तुम्हारे इलाके में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम है ना। तो उससे अदर कंटेंट निकल जाता है, मॉइस्चर उड़ जाता है, और जो आखिरी में जो प्राप्त तो होता है अपने को वो क्या होता है बेटा, घी होता है। हालांकि देसी विधि से जब घी बनाओगे तो अपने को फैट की रिकवरी जो होती है वो कम होती है, 80 से 83%, ठीक है। इसीलिए हम बटर मेथड का यूज़ करते हैं। तो इसका सही उत्तर तो होगा बेटा घी। बढ़ते हम आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिल्क प्रोडक्ट हैज मैक्सिमम फैट कंटेंट। यार ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ, घी में होता है। चलो मलाई की बात भी कर लेते हैं। मलाई में क्या होता है बेटा, 20 से लेकर या हम कहूँ मैं सही सही बताऊँ 10 से लेकर 85% तक क्या देखने को मिलता है बेटा, फैट। किसमें, अलग अलग टाइप की क्रीम आती है ना, जिसमें 10 से लेकर 85% तक हमें क्या देखने को मिलता है, मैक्सिमम 85% तक देखने के लिए मिलता है ना। तो 10 से लेकर 85% तक फैट कंटेंट देखने के लिए मिलता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्रीम की बात कर रहा हूँ, क्रीम मतलब मलाई। पनीर की बात करें तो 36 33 36 क्या है पानी रहता है, 33 क्या रहता है उसमें फैट रहता है, और 23 क्या रहता है अपना प्रोटीन रहता है। तो हम बात करते हैं किसकी, पनीर के अंदर फैट की, तो फैट कितना रहता है बेटा 36 33, तो 33.8% इसके अंदर क्या रहता है, फैट रहता है। बटर की बात करें तो 80% रहता है, तो अब मुझे बता दो। और घी की बात करें तो 99.5% जो इसके अंदर क्या है वो फैट रहता है। तो ये चारों के हमने लिख दिए, अब बता दो किसके अंदर, ख़त्म क्वेश्चन फिर से है ना। तो सही उत्तर ये होगा। बढ़ते आगे। हाँ भैया ये देखो लिखा हुआ है 33.8 1% कोटेज। अब देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, लल्ला इधर देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया। क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कोटेज चीज़ होता है, काटेज पनीर होता है, सबसे पहला क्वेश्चन किससे बनाया जाता है, स्किम्ड मिल्क से बनाया जाता है। अब स्किम्ड मिल्क क्या होता है, फैट सेपरेटेड मिल्क इज नोन एज स्किम्ड मिल्क है ना। तो फैट ऐसा मिल्क जिसमें से फैट को सेपरेट कर लिया, जो फैट को सेपरेट कर लिया है तो उससे कोई सा भी मिल्क का प्रोडक्ट बनाओ उसके अंदर फैट कंटेंट क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, मिनिमम से मिनिमम है ना। तो कितना आया है बेटा 1%। वहीं अगर हम चेड्डार चीज़ की बात करें जो कि काउ मिल्क से बनाया जाता है, या हम बात करें काउ होल मिल्क से बनाया जाता है, तो उसके अंदर फैट का कंटेंट कितना देखने को मिल रहा है, 33.8%। समझ में आया। बढ़ते आगे। चलो इन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ दही प्रिपरेशन मिल्क इज बॉइल्ड। मिल्क को उबाला जाता है, सही बात है। पहले तो हम बोलते हैं ना 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म करना चाहिए, देन उसके बाद में अलाउड टू कूल उसको ठंडा करना चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और वही उसका क्या टेम्परेचर होता है, क्या इंक्यूबेशन टेम्परेचर। लेकिन देखो इसने क्या बोला, एट अबाउट 42 डिग्री सेल्सियस, 21 का क्या कर दिया भैया, डायरेक्ट डबल कर दिया। एंड देन ओल्ड पुराना क्या मिलाना चाहिए, पुराना दही। अरे भैया पुराना दही तो पहले से तैयार है, एक दो कटोरी हम लेके घर की बात कर रहा हूँ है ना। इन जनरल क्या होता है 1 से 2% जो होता है क्या मिलाते हैं अंदर, उसका पुराना दही जो पड़ा हुआ, जिसे हम स्टार्टर कल्चर या हिंदी मीडियम वालों तुम्हारा फेमस जो जामन है वो मिलाया जाता है ना। देखो यार उसने टेम्परेचर क्या लिखा है 42, सही बात बताओ 42, में ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, लेकिन 42 जब होता है ना उसमें फिर बैक्टीरिया चेंज हो जाते हैं। अगर तुम स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस डाइएसिटिलेक्टिस की बात करोगे या लैक्टोबैसिलस लेक्टिस की बात करोगे, तो उनके लिए आपको कंपलसरी कि टेम्परेचर आपको कम रखना पड़ेगा, 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही टेम्परेचर रखना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि वो टेम्परेचर उतने पर, मतलब वो जो बैक्टीरिया है उसी टेम्परेचर पर काम करेंगे। अब तुम यहाँ लिख देते हो 42 डिग्री सेल्सियस, तो आपको जो बैक्टीरिया है वो बदलना पड़ेंगे, जो स्टार्टर कल्चर है वो चेंज करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको या तो
लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया लेने पड़ेंगे, या तो जो योगर्ट वाले होते हैं बुल्गेरिकस और थर्मोफिलस जो स्पेशल बैक्टीरिया वो लेने पड़ेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन है तो है, आया है तो आया है, मैं कहीं कर ही नहीं सकता उसका। देन ओल्ड कर्ड है ना, तो पुराना दही मिलाया जाता। अच्छा क्वेश्चन था, गलत किया था, मतलब जिस हिसाब से क्वेश्चन आया है आपका, क्वेश्चन मैं ये नहीं बोलूँगा क्वेश्चन कठिन है, लेकिन वो जो बोलता है उससे क्या है कि अगर जो अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो कभी कभी कन्फ्यूज हो जाएगा, दूसरा कुछ नहीं है। इसीलिए क्या है कि एक एनसीईआरटी की बहुत ज़रूरत है, एग्रीकल्चर में भी एक एनसीईआरटी आनी चाहिए, आएगी धीरे से, बड़ी रिक्वायरमेंट है। इन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ दही प्रिपरेशन, क्वेश्चन ही नहीं बदला, एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई की बात चल रही भैया ना, 2008 में स्थापना हुई, अगर पूरी पूरी बात करो तो 5 सितंबर है ना, 5 सितंबर 2008 को फसाई की स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, दिल्ली में, केजरीवाल जी के वहाँ पर, तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये एक अपने आप में क्वेश्चन बनता है ना बेटा कि फसाई का पूरा नाम क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फसाई का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है, याद करना है। कभी एक इसका इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकता है ना। तो कब स्थापना हुई, 5 सितंबर 2008 को, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन क्या बोला, द मिनिमम मिल्क फैट परसेंटेज ऑफ बफेलो मिल्क है ना। तो फसाई के लिए हमने स्पेशल तो नहीं पढ़े, पीएफए का जो पढ़े वही आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पढ़ रखा है 5 से 6% इसके लिए भैया, बफेलो के लिए है ना, और 3.5% या 4% किसके लिए पढ़ रखा है अपन ने, काऊ के लिए। कहाँ भैया, तो देखो ये रहा काऊ का और ये रहा बफेलो का, कहाँ है अगर फसाई के हिसाब से अगर स्पेशल बात करें तो फसाई बोलता है 3.2%, किस केस में, काऊ के केस में ना, काऊ के केस में फसाई क्या बोलता है, 3.2% है। तो 3 से 4% काऊ का मान लो, 5 से 6% किसका, बफेलो मिल्क का मान लो, ठीक है। अगर अगली बार आएगा क्वेश्चन तो सेम क्वेश्चन दे सकता है, बस क्या अभी देखो दो तीन क्वेश्चन ऐसे देखा हमने, खोआ का क्वेश्चन देखा, क्या बोला, पहले काऊ का पूछ लिया फिर बफेलो का पूछ लिया है ना, तो क्वेश्चन ऐसे काऊ बफेलो में एक्सचेंज होते रहते हैं, टेंशन नहीं पालना। तो अभी किसका पूछा है, भैंस का, तो हमने उत्तर क्या लगा दिया, ए, अगली बार काऊ का पूछ सकता है। बढ़ते आगे बेटा है ना, अगला क्वेश्चन है, द प्रिफर्ड क्रीम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल बटर, अगर कमर्शियल मतलब व्यावसायिक रूप से अगर आप मक्खन का उत्पादन करना चाहते हैं बेचने के हिसाब से, तो आप कौन सा बटर बनाएंगे। तो हम जानते हैं कि व्यावसायिक रूप से जो बटर बनाया जाता है ना उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए है ना, ओवररन भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाता है। तो हम बनाते बेटा नमकीन मक्खन, ताकि जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है ना वो अच्छी रहे, तो साल्टेड बटर बनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, बना सकते हो आप, बटर नहीं क्वेश्चन को बना सकते हो आप। यार भैया अगला क्वेश्चन लाया जाए, अस पर लीगल स्टैंडर्ड्स हाउ बटर फैट कंटेंट ऑफ बटर शुड बी, खत्म क्वेश्चन, कहाँ 80%, ये रहा। अगला क्वेश्चन भैया आपके सामने ये रहा, 10 रुपये का, इन मॉडर्न टाइम द प्रिपरेशन ऑफ मिल्क पाउडर द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ ड्राइंग, हमने दो मेथड पढ़ रखी है मिल्क पाउडर की है ना, याद आद बता रहा बेटा, पढ़े गल्ले तेरा, हाँ कहीं नहीं, हमारे पास बच्चे बैठे हुए याद बताते रहते दूसरे कमरे में बैठ के। हाँ, इन मॉडर्न टाइम, अरे मिल्क पाउडर किससे बनाते यही पूछ रहा है भैया, रिवर्स ऑस्मोसिस, पार्शियल फ्रीजिंग ड्राइंग, क्या होता है किसी कुछ नहीं मालूम। हाँ सर देखा देखा आ गया, हाँ सर देखा देखा आ गया, दोनों से मिल्क का पाउडर बनाया जाता है, बेस्ट किससे होता है बेटा, इससे है ना, इसमें टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 200 से 230 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें टेम्परेचर कितना रहता है, 300 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम पार्टिकल साइज की बात करें तो इसमें तो रहते हैं 10 से 12 माइक्रोन, इसमें रहते हैं बेटा 15 से 20 माइक्रोन है ना। इसकी सोल्युबिलिटी की बात करें, सोल्युबिलिटी इसकी कितनी होती है, 99% है, इसकी सोल्युबिलिटी होती है 80 से 85% है। सारा नोट्स का आइटम है, मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ, अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो याद होगा। बढ़ते बेटा आगे, व्हाट व्हाट
इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर चर्निंग बटर आउट ऑफ क्रीम, मतलब कि चर्निंग करेंगे, किसकी चर्निंग करेंगे, अगर क्रीम की, चर्निंग का मतलब है क्रीम को जब मथेंगे तो मथने के बाद क्या बनता है, छाछ बनेगा और क्या, बटर मिल्क, बटर अलग हो जाएगा, जो बच जाएगा वो बटर मिल्क। इजी क्वेश्चन, सो इजी। चलो बढ़ते बेटा आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पाउडर इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोटेड मिल्क। देखो क्लोटेड मिल्क क्या होता है, अपन ने पढ़ा नहीं क्लोटेड मिल्क, लेकिन एक ये कोग्यूलेटेड प्रोडक्ट है और इसके कोग्यूलेशन के लिए यूज़ किया जाता है बेटा कैल्शियम लैक्टेट का, है ना। अब समझाने को तो मैं समझा भी दूँ, लेकिन बात तो वही, जो चीज़ पढ़ी नहीं उसको खूब भी समझाओ तो क्या समझ में आएगी, है ना। तो अपन ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा अपन ने ध्यान नहीं देना। हाँ थोड़ा सा अगर व्यक्ति दिमाग लगाए तो क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सही कर सकता है वो। सोडियम, सोडियम को हम क्यों, सोडियम बाई कार्बोनेट क्यों डालेंगे, सोडा है क्यों डालेंगे इसको। मैग्नीशियम लैक्टेट, मैग्नीशियम की ज़रूरत इन जनरल नहीं है, ये भी नहीं डालेंगे, लैक्टेट है इन दोनों में से आएगा, ये तो कन्फर्म है। तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ये भी तो, देखो दो ऑप्शन तो सीधे ही हट रहे हैं। अब अपने को बताना है मैग्नीशियम आएगा कि कैल्शियम आएगा, तो हम जानते हैं कि दूध में कैल्शियम अगर डालेंगे तो बढ़िया चीज़ है और क्या। चलो बढ़ते हम आगे, प्री स्ट्रेटिफिकेशन मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्क प्रोडक्ट। क्वेश्चन बहुत सरल है, इसको बिल्कुल समझाने की जरूरत नहीं है, ये इसका उत्तर आएगा। अब प्री स्ट्रेटिफिकेशन मेथड क्या होती है, इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके लिए आप ये देखेंगे ना। एक मैंने छोटा सा क्या, बहुत बड़ा डायग्राम है, छोटा सा तो नहीं बोलूँगा हाँ, लेकिन इसमें स्पेशल टाइप के, तीन टाइप के बर्तन होते हैं। सबसे पहले इसमें बटर डाला जाता है, बटर को 80 से 80, देखो यहाँ जो डाटा लिखा हुआ है सही भी है, लेकिन अपने एग्जाम में जो आएगा अपन उसकी बात करें, 80 से 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मेल्ट किया जाता है, मतलब बटर को पिघलाया जाता है, देन उसको फिर ट्रांसफ़र किया जाता है अगले टैंक में, है ना। ये स्पेशल टाइप का टैंक होता है जिसमें टेम्परेचर यही रखते हैं लगभग, देखो पिघलने की अगर बात करें तो 80 डिग्री सेल्सियस पे पिघला जाता है, फिर यहाँ पर भी जो है 80 से 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, इस पर उसको जब रखा जाता है, और इसको जब रखा जाता है इस टेम्परेचर पर तो हिलाया नहीं जाता, इसको हिलाया नहीं जाता, अंदर से जो इसके अंदर जो आपने बटर डाला उस बटर को हिलाना नहीं है। हाँ कुछ और नहीं समझना बेटा। तो हम देखते हैं कि जो पूरा मटेरियल है वो तीन लेयर में बढ़ चुका है, कितनी लेयर में बेटा, तीन लेयर में बढ़ चुका है, और जो सबसे निचले वाली लेयर है इसमें क्या है, बटर मिल्क, बीच वाली लेयर में क्या है, मिडिल लेयर में फैट है, आपकी जो ओरिजिनल फैट है वो कहाँ है बेटा, मिडिल लेयर में, टॉप लेयर में क्या है, जो प्रोटीन होता है या जो एक्स्ट्रा कर्ड कंटेंट है वो कहाँ पर है, ऊपर वाली लेयर में है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटी सी टोडी होती है, सर दिख नहीं रही है, डब्बा रखा हुआ पीछे की साइड टोडी है ना, नल है, नल से चालू करेंगे, ये नीचे की एक लेयर है इसको हम कर देंगे रिमूव। देखो रिमूवल के बाद में क्या है, अपने पास जो ऊपर की दो टॉप लेयर बचेगी इनको फिर हम क्या करते हैं बेटा, बॉइल करते हैं। बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 114 प्लस माइनस 2 114 प्लस माइनस 2, किसी किसी बुक में 116 प्लस माइनस 2, ये क्या किलोमीटर नहीं बेटा, डिग्री सेल्सियस है ना, टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में आएगा। इतने टेम्परेचर पर हम इसको जब बॉईल करेंगे तो जो भी मॉइस्चर एक्स्ट्रा है, रेसिड्यू है, सारा का सारा रिमूव हो जाएगा, और बाद में हमको जो है वो एक्चुअल फैट, जो ट्रू फैट है, हम बात करें जो घी है, घी मिल जाएगा। अच्छी मेथड है बेटा, इसमें क्या है कि बाकी मेथड से खर्चा भी कम आता है ना, और जो लेबर है लेबर भी कम लगता है, लेबर भी घट जाता है, खर्चा जो टोटल हमारी कॉस्ट है घी बनाने की वो भी घट जाती है, फैट भी अच्छा मिलता है, फैट की रिकवरी भी अच्छी होती है, ओवरऑल बहुत बढ़िया मेथड है ना। NDRI का जो बेंगलोर ब्रांच है उसने इसको बनाया था, अच्छी मेथड है, आप आराम से फोटो खींच सकते हो। बढ़ते आगे, हाँ वेक्रिएशन, वेक्रिएशन क्या होता है, इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर पाश्चुराइजेशन मेथड फॉर, कुछ नहीं बेटा वेक्रिएशन क्या है, पॉस्चराइजेशन की मेथड ही है, इसमें यूज़ की जाती है, क्रीम में यूज़ की जाती है, बताने के बजाय मैंने एक छोटा सा लिखा हुआ है, ये कुछ लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, क्यों, क्योंकि टर्म भारी है। वैक्यूम पाश्चुराइजेशन इसका एक अनदर नेम है, कि वेक्रिएशन को आप क्या बोल सकते हैं, वैक्यूम पाश्चुराइजेशन भी बोल सकते हैं। दिस रेफर, हिंदी मीडियम वाले तुम्हारे लिए भी है तो टेंशन मत लेते ना, दिस रेफर टू पाश्चुराइजेशन ऑफ मिल्क देयर रिड्यूस द प्रेशर बाय डायरेक्ट स्टीम, मतलब स्टीम से हम इसको पाश्चुराइजेशन करते हैं। द इक्विपमेंट यूज्ड टू टर्म वेक्रिएटर, देखो एक तो ये याद रखना है कि किसका यूज़ किया जाता है, वेक्रिएटर का यूज़ किया जाता है ना,
ये पढ़ लो, द पाश्चुराइजेशन मेथड इज नोन एज क्रिएशन इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर क्रीम, तो अपना सही उत्तर तो क्रीम है। इन दिस प्रोसेस क्रीम इज हीटेड है ना, क्रीम को गर्म किया जाता है और गर्म को जो किया जाता है वो 190 से 200 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है ना, कहाँ पर, वैक्यूम चेम्बर में है ना। अगर ये नहीं है तो एक मैंने बहुत अच्छी बुक से एक फ़ोटो खींची है, ये स्टैंडर्ड बुक है, उसमें से लिया गया कार्यक्रम है, तो आप इसको एक बार पढ़ के काम चला सकते हैं, एक बार पढ़ जरूर से लेना है, अगली बार अगर क्वेश्चन आएगा। देखो वेक्रिएशन जिसे हम शून्यक निरोगन भी कहते हैं ना, सीधे भाप द्वारा गर्म करके शून्य निरोगन या वेक्रिएशन किया जाता है ना। इस विधि में प्रयुक्त होने वाले यंत्र फालतू चीज़ें, लाभ जरूर से पढ़ लेना, दूध या क्रीम को अधिक स्वादिष्ट बनाना है ना। दूसरा चीज़ है गंध निकल जाती, कहीं लिखा हुआ है, हाँ देखो अवांछनीय गंध क्या हो जाती है, निकल जाती। एक चीज़ ये ध्यान रखना, प्रथम कक्ष, द्वितीय कक्ष, तृतीय कक्ष, तीन चैम्बर होते अपने को उससे मतलब नहीं है, पढ़ लेना एक बार, इसीलिए लगाया है। पढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, तो वेक्रिएशन किससे संबंधित, बस इतना याद रख लो, तो वेक्रिएशन जब अगली बार टर्म आएगी मेथड ऑफ पॉस्चराइजेशन मेनली किस में यूज़ होती है बेटा, क्रीम में है ना, तो इसको पढ़ ले आप। हाँ अगला है, व्हाट शुड बी द मिनिमम फैट परसेंटेज ऑफ टेबल बटर इन इंडिया। देखो अब टेबल जैसे ही याद आया ना, आधे लोगों तो बटर पढ़ेंगे थोड़ी, टेबल टेबल आया, टेबल टेबल हमको मालूम है, टेबल 20 से 25, इतने लोड ही कौन ले, बड़े देखो दिख रहा है 20 से 25 दिया नहीं, सबसे कम ऑप्शन वाला 50 है लगा दो, अरे नहीं टेबल बटर बोला है ना, बटर तो बटर की हम बात करें बेटा, 80%। जब कुछ अपने नहीं पढ़ा हो, स्पेशल टर्म नहीं पढ़ी हो और उससे मिलती जुलती कोई नोट्स में लिखी हो तो डायरेक्ट वही लगा दो, ज़्यादा अपने को पायलट नहीं बनना। 80% बटर फैट पूछा है। व्हाट इज द फैट परसेंटेज इन स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क है ना, स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क, हमने तीन प्रकार के मिल्क एक साथ मैंने आपको पढ़ाया था, एक तो स्टैंडर्ड मिल्क, है ना, स्टैंडर्ड मिल्क की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम फैट परसेंटेज होता बेटा 4.5% है ना, और SNF की बात करें तो SNF होता है 8.5%, ठीक है, तो आप मुझे बता दो वसा परसेंट पूछा है, क्या आएगा इसका। चलो, इन द चर्निंग प्रोसेस द क्रीम इज वायलेंटली, मतलब उत्तेजित रूप से है ना, वायलेंटली मतलब उत्तेजित रूप से, अगेन हाउ मेनी मिनट्स टू ब्रेक डाउन द फैट ग्लोब्यूल कॉजिंग द फैट कोगुलेटेड इन टू बटर ग्रेन्स व्हाइल द फैट कंटेंट ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड बटर मिल्क डिक्रीज। जब पढ़ेंगे समझेंगे, क्वेश्चन को समझ में आ रहा है कि वो कुछ नहीं पूछ रहा है कि जब बटर की हम चर्निंग करेंगे, बटर की नहीं चर्निंग होगी बेटा, क्रीम की चर्निंग होती है ना, कि जब क्रीम की हम चर्निंग करेंगे तो क्रीम की चर्निंग में हमें कितना टाइम लेना चाहिए। तो आप जो है बुक में देखेंगे तो कुछ 30 से 60 मिनट ऐसा कुछ करके लिखा हो, लेकिन यहाँ पर वो उत्तर ही नहीं है, यहाँ पर जो दिया हुआ सही उत्तर है बेटा वो है 5 से 10 मिनट, और एक्चुअल में देखा जाए तो यही उसका सही उत्तर भी होगा, क्योंकि जो क्रीम की चर्निंग की जाती है वो क्रीम की चर्निंग कितनी देर तक करना चाहिए, 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए, यही इसका सही उत्तर भी बनता है। लेकिन वही है कि रेफरेंस रेफरेंस का अंतर आ जाता है, आपकी बुक में लिखा है तो कुछ गलत नहीं लिखा है, लेकिन बात वही है कि जब क्वेश्चन ट्रेडिशनल वे में पूछा जाता है तो उसका उत्तर 30 से 60 आता है, लेकिन अगर हम बात करें ये जिस हिसाब से क्वेश्चन बना के दिया गया है ये बिल्कुल भी ट्रेडिशनली नहीं लग रहा है, सीधे सीधे उसने बोला है कि क्रीम से हम चर्निंग कर रहे हैं, तो क्रीम से जब भी चर्निंग करेंगे बेटा टेम्परेचर अपने को यही याद रखना है, तुमको लगे तो भले नोट्स हम बदल लेना है ना, 5 से 10 मिनट। चले आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भैया, क्रीम सेपरेशन इज फिनोमिना, मतलब कि घटना है, बाय विच द मिल्क इज सेपरेटर, देखो क्रीम सेपरेटर पूछा है, क्रीम पृथक्करण एक ऐसी घटना है जिसके द्वारा दूध को क्रीम और मलाई रहित दूध को किस बल, पुराना क्वेश्चन है पहले बता चुका हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, अपकेंद्रीय बल जिसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, When all water is removed from milk, what is called? मतलब कि दूध के अंदर से जब पूरा का पूरा पानी निकाल देंगे तो उसके बाद जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, पानी रहित दूध ऐसा तो नहीं बोलेंगे बेटा, उसको बोलते हैं हम दूध पाउडर, ये रहा पाउडर मिल्क। आसान खत्म क्वेश्चन है,
व्हाट इज द मेन एलिमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्किम मिल्क, मतलब स्किम्ड मिल्क में से हमने ऐसा क्या निकाल लिया है, स्किम्ड मिल्क में से नहीं, मिल्क में से ऐसा क्या निकाल लिया है कि स्किम्ड मिल्क बना है। तो हम जानते हैं कि फैट सेपरेटेड मिल्क इज नोन एज स्किम्ड मिल्क, मतलब कि हमने उसमें से क्या निकाला है, फैट, मतलब कि दूध में से अगर आप वसा को अलग कर लेंगे तो उसके बाद का जो आइटम बनता है बेटा उसे आप क्या बोलते हैं, स्किम्ड मिल्क, जिसे हम बोलते हैं सपरेटा दूध। यहाँ पर बोला है मलाई रहित दूध, लेकिन एक्चुअल उसके लिए जो सही टर्म है उसको हम बोलते हैं सपरेटा दूध, हिंदी मीडियम वालों। तो हिंदी में कुछ भी हो सकता है, अंग्रेजी में कुछ भी नहीं होता है, अंग्रेजी में एक ही होता है। अ सेंट्रीफ्यूगल मिल्क सेपरेटर मशीन हैज कॉनिकल डिस्क, बेटा लास्ट वाला जो चैप्टर पढ़ा था पांचवें चैप्टर में, क्वेश्चन को मैंने बहुत देर तक समझाया है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका 6000 से 10000 तक दिया हुआ है। आज क्वेश्चन ज़्यादा है फिर इसके ऊपर चर्चा नहीं करूँगा, सेम क्वेश्चन है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बटर मेकिंग प्रोसेस आर देयर, अगर क्वेश्चन की बनावट यही है, जो क्वेश्चन ऐसा ऐसा अगर आया है तो क्वेश्चन का उसने जो उत्तर माना एक्चुअल में वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें बटर मेकिंग प्रोसेस की, मेथड की, है ना, देखो क्या बोला है कि मक्खन बनने की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है ना। तो मेथड की अगर हम बात करें तो मेथड तो सिर्फ दो ही होती है बेटा, कौन कौन सी होती है, पहली होती है देसी मेथड, देसी मेथड, और दूसरी होती है साइंटिफिक मेथड। ना एक को हम बोलते हैं वैज्ञानिक विधि और दूसरे को बोलते हैं हम देसी विधि। तो विधियों की बात करें, मेथड की बात करें, तो मेथड तो दो ही होती है, लेकिन देखो प्रक्रिया, प्रक्रिया अब यहाँ पर उसने स्पष्ट नहीं किया कि एक्चुअल में वो स्टेजेस, चरणों की बात कर रहा है कि कितने टाइप से बटर बनता है वो बात कर रहा है ना। तो इसका जो सही उत्तर तो होगा बेटा वो हो रहा है चार, कि अगर हम स्टेजेस की बात करें कि कितनी स्टेज में बटर तैयार होता है ना, तो चार स्टेजेस लगती है, वो स्टेजेस भी मैंने लिखी है। लेकिन जब मेथड पूछे क्या देते भैया, प्रोसेस की जगह एक वर्ड आ जाए क्या, कि कितनी मेथड्स होती है, तो मेथड्स कितनी होती है बेटा, दो होती है, एक होती है देसी मेथड, एक होती है साइंटिफिक। साइंटिफिक मेथड अगर समझ में नहीं आ रहा हो शक्तिमान, तो इसको हम बोल सकते हैं क्रीम, है ना, क्रीम से, क्रीम मेथड, ये रही वो स्टेज। देयर आर फोर बेसिक स्टेज इन्वॉल्विंग इन एनी बटर मेकिंग प्रोसेस, कोई सी भी मेथड से आप अगर बटर बना रहे हो तो ये चार मेथड होती है, मैंने लिख दी है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल एक क्लेरिफिकेशन के लिए कि ये एक्चुअल में इस तरीके से मामला होता है, लेकिन मेथड दो होती है ना। किसी भी अच्छी बुक में देखो वो दो ही मेथड बताता है। चलो बोलते बढ़ते हम आगे। व्हाट इज द बेस्ट टेम्परेचर टू टर्न अ क्रीम इनटू बटर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। व्हाट इज द बेस्ट टेम्परेचर टर्न अ क्रीम इनटू बटर, अब देखो इसके पहले उसने क्या पूछा था, चर्निंग का टाइम पूछा था। अब यह क्या बोल रहा है कि जब हम क्रीम को बटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें टेम्परेचर कितना, तो चर्निंग से ही कन्वर्ट करते हैं, तो वही चर्निंग का जो टेम्परेचर है वो पूछा है। तो हम जानते हैं 9 से 11 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारे नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स में क्या लिखा हुआ है, 9 से 11 डिग्री सेल्सियस या ऑन एन एवरेज 10 डिग्री सेल्सियस। ऐसा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में, यही उसका सही उत्तर भी है। चलो, पाश्चुराइजेशन ऑफ बटर इज यूजली डन एट हाउ मैनी टेम्परेचर, मक्खन का पाश्चुराइजेशन आमतौर पर कितने तापमान पर किया जाता है, मक्खन का पाश्चुराइजेशन पूछ रहा है। अब हमने मक्खन का पाश्चुराइजेशन सही बात बताया तो पढ़ा नहीं है, हमने क्रीम का पाश्चुराइजेशन जरूर से पढ़ा है, हमने मिल्क का पाश्चुराइजेशन जरूर से पढ़ा है, लेकिन मक्खन का नहीं पढ़ा है, नोट्स में भी नहीं दिया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ 85 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है। अब इसका जो सही उत्तर होगा ये, तो कभी कभी क्वेश्चन आड़े तिर से फंस जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको हम सही नहीं कर सकते। अगर आप बोलो कि नहीं नहीं सर इसको तो सही कर ही नहीं सकते, तो ये तो कोई पाश्चुराइजेशन टेम्परेचर होता नहीं है, है ना, ये था लेकिन मिल्क का, लेकिन हम जानते हैं हमने क्रीम का पढ़ा है, क्रीम का क्या पढ़ा है, 95 डिग्री सेल्सियस भी पढ़ा है ना, 72 और 95, ये दो टेम्परेचर हमने पढ़े हैं, तो इससे नज़दीक का उत्तर हम लगाएंगे इनके बीच का, क्योंकि क्रीम से सुपीरियर होता है बटर, है ना, मिल्क से सुपीरियर कौन,
क्रीम, और क्रीम से सुपीरियर कौन होगा बेटा, बटर। तो हम जब धीरे जैसे जैसे फैट कंटेंट बढ़ता जा रहा, हम पाश्चुराइजेशन टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं, तो भैया क्या ले जाओगे आप, यही लगाएंगे। तो क्वेश्चन आप अपने नोट से पढ़ के क्वेश्चन सही नहीं कर सकते, ऐसा तो कतई नहीं है। एक व्यवस्थित व्यक्ति अगर शांत दिमाग से वहाँ बैठा है तो क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा आपका, है ना। बढ़ते हम आगे। एज पर PFA स्टैंडर्ड्स काउ मिल्क ऑब्टेंड इन द स्टेट ऑफ केरला शुड बी, अब केरल का डाटा पूछा है, वो भी एमपी का, एमपी का, एमपी वालों को एमपी का मालूम नहीं रहता, लेकिन उसने केरला का पूछा है। तो बात वही है कि भैंस दूध यहाँ दे कि वहाँ दे, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है डाटा में, बहुत ज़्यादा तो होगा नहीं, तो जो अपने को याद है वही लगा दो, क्वेश्चन सही हो जाएगा। PFA मानकों के अनुसार केरल राज्य में प्राप्त गाय के दूध में, भैया वही जो यहाँ पर है, 3.5 और 8, 8.5% है ना, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। बढ़ते हम आगे। वाटर एडल्ट्रेशन इज चेक बाय द हेल्प ऑफ, पानी में मिलावट की जांच किसके द्वारा की जा सकती है, है ना। पानी की मिलावट के लिए हमने कई सारे टेस्ट पढ़े हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला टेस्ट जो था हमारा विथ रेशो था, जिसे हमने विथ अनुपात भी बोला था। विथ अनुपात अभी पढ़ाया मैंने आपको, क्या 13:9:2 ये काउ मिल्क का, 12:10:2 ये विथ रेशो किसका, बफेलो मिल्क का, है ना, ये किसका, काउ मिल्क का। तो इसके द्वारा भी अब वाटर जो कंटेंट होता है उसकी मिलावट का चेक कर सकते। पहला टेस्ट तो हो गया विथ रेशो वाला। दूसरे की मैं बात करता हूँ तो एक होता है नाइट्रेट टेस्ट। कौन सा, नाइट्रेट टेस्ट, सुनो बच्चा यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा तुमको। एक होता है नाइट्रिक एसिड टेस्ट, वो अलग है। ये क्या है, नाइट्रेट टेस्ट, हम जानते हैं जो ग्राउंड वाटर आता है उस ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट कंटेंट होता है, क्योंकि जितना भी ग्राउंड वाटर होता है उसमें नाइट्रेट मिलता है। तो नाइट्रेट टेस्ट किसके लिए होता है, ये भी किसके लिए होता है, वाटर के लिए होता है। एक और होता है हिमांक टेस्ट, हिंदी वाल हिमांक जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। अगर नोट्स को ढंग से पढ़ोगे तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि तीनों किए किसके लिए जाते हैं, वाटर के लिए। लेकिन बेस्ट टेस्ट जो कि किया जाता है पानी की मिलावट का पता लगाने के लिए, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। कहाँ है यार, समझ में आपने को, हेलो। अगर पूछता कि कौन सा पानी की मिलावट के लिए किया जाता है, ऑप्शन में नाइट्रेट भी मिल जाता, फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाता, विथ रेशो भी, हाँ भैया सब सब है ना। ये विथ रेशो है ना बेटा, सेपरेटा दूध और पानी दो के लिए, है ना, याद रखना अपने को। चलो बढ़ते हम आगे। 54 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिल्क फैट परसेंटेज इन खोवा बफेलो मिल्क। ये तीसरी बार आ रहा है क्वेश्चन, है ना। पहली बार क्या पूछा था, भैंस के दूध में खोआ का परसेंटेज। अरे भैंस के दूध में खोआ का परसेंटेज, मिस्टेक हो गई। भैंस के दूध से बने खोआ में फैट का परसेंटेज पहले क्वेश्चन में पूछा था। अगले ही क्वेश्चन में पूछा था उसने कि काउ मिल्क से बने जो खोआ या मावा होता है उसमें फैट परसेंटेज। फिर उसने पहले क्वेश्चन को रिपीट किया है, क्या, व्हाट इज द फैट मिल्क फैट परसेंटेज इन खोआ बाय बफेलो मिल्क। तो हम जानते हैं क्या, 37.1% और 25% किस में होता बेटा, उन्हें एवरेज याद रखो, एग्जैक्ट डाटा याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, है ना। तो 25% के आसपास किस में होता है, काउ मिल्क से बने खोआ में। अगला क्वेश्चन 55 नंबर का क्वेश्चन बोलता है, व्हाट इज द मिल्क फैट परसेंटेज इन घी। क्या खत्म क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है घी का, बार बार आया है ना। देखो बेटा कितने पास आंकड़े, 99 से 99.5, दूसरे में आया 99 और 98 और 97, 99.5। अगला है द मिल्क प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय इवोपोरेटिंग पार्ट ऑफ द वाटर ऑफ होल मिल्क और फैटी और पार्शियली स्किम्ड मिल्क विथ और विदाउट द एडिशन ऑफ शुगर इज नोन एज। हिंदी में पढ़ते हैं हिंदी मीडियम वालों, पूर्ण दूध वसा युक्त या आंशिक रूप से स्किम्ड दूध के पानी को चीनी के साथ या बिना वाष्पित करके जो बनाया जाता है वो कौन सा मिल्क पाउडर है। बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है, क्या स्किम्ड मिल्क होगा, नहीं, खोआ नहीं, समझ में आ रहा है, बटर, अरे नहीं भैया, कंडेंस्ड मिल्क बिल्कुल सही है ना। हम जानते हैं स्किम्ड मिल्क कैसा बनता है, खोआ कैसे बनता है ये भी जानते हैं। खोआ बनाने के लिए कुछ नहीं करना है बेटा, गर्म करना है ना, कुछ डालना ना कुछ निकालना। स्किम्ड मिल्क में से फैट रिमूव कर दो बन जाएगा। बटर के लिए पहले कर्ड प्रिपेयर करना पड़ेगा या क्रीम प्रिपेयर करना पड़ेगा, और जो रामायण लिखी हुई है वो इन तीनों को तो नहीं बता रही है। तो क्या उत्तर आएगा, कंडेंस्ड मिल्क, है ना।
अगला क्वेश्चन, व्हेन मिल्क फैट इज कंसंट्रेटेड इनटू अ फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल मिल्क द पोर्शन नोन एज, क्या बोला है? जब दूध का वसा मूल दूध के एक भाग में केंद्रित हो जाता है, कहने का मतलब है कि जो दूध है उससे जो वसा है वो अलग होकर एक केंद्र में एकत्रित हो जाती है, तो जो बना है वो क्या है? हम जानते हैं कि ये जो बता रहा है प्रोसेस ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है क्रीम सेपरेटर के अंदर। क्रीम सेपरेटर में क्या होता है, जो बाउल वाला पार्ट है ना, बाउल वाला पार्ट जब घूमता है तो जो जो भारी चीज़ें वो तो दूर हो जाती है, और जो हल्का हमारा फैट है वो सेंटर में क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, और जो सेंटर में इकट्ठा होता है वो होता है आपका क्रीम। कहाँ लिखा है, ये रहा, तो सही उत्तर इसका होगा क्रीम। अच्छा क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन था, आसानी से बन सकता है। चलो बढ़ते हैं हम आगे। ड्यूरिंग प्रिजर्वेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक की बात करी है तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये तो बैक्टीरिया, कौन सा एंटीबायोटिक है, तो ये तो आ ही नहीं सकता। एस्परजिलस स्पीसीज, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि भैया एंटीबायोटिक थोड़ी ना है। क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज थी, ये स्पीसीज हम कोई बैक्टीरिया, सॉरी बैक्टीरिया तो है मतलब कोई एंटीबायोटिक नहीं है, तो एंटीबायोटिक का केवल एक ही नाम है, टेट्रासाइक्लिन। प्यारा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा हुआ भी है, प्रायोगिक बिंदु जब आपको पढ़ाए जाते हैं वहाँ पर एंटीबायोटिक की बताई जाती है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर का, इज स्पेशली डैश डैश डैश, बोला है कि डैश 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 इज स्पेशली प्रिपेयर्ड कंसनट्रेटेड एंड स्वीटेंड होल प्रोडक्ट कंटेनिंग सेवरल लेयर्स ऑफ क्लोटेड क्रीम, क्या बोला, विशेष रूप से तैयार किया जाता है सांद्रित और मीठा संपूर्ण दुग्ध उत्पाद है, क्या है? मीठा और संपूर्ण दुग्ध उत्पाद है जिसमें क्लोटेड क्रीम की क्या होती है, लेयर होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, दूध बोलते हैं, चीज़ बोलते हैं, रबड़ी बोलते हैं, पनीर बोलते हैं। देखो मीठा होता है और क्रीम की लेयर है, तो भैया ऐसा क्या है जिसमें क्रीम बढ़िया मात्रा में मिलेगा और मीठा भी होगा, रबड़ी पनीर तो हो ही नहीं सकता, चीज़ अब जब पनीर नहीं होगा तो चीज़ कहाँ से हो जाए, मिल्क। एक ही उत्तर, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो सीधा उत्तर के पास ही जाएंगे आप, तो क्वेश्चन को जब पढ़े ना और पढ़ने में अपने को लग रहा है कठिन है तो कठिन मानना नहीं उसको, आप जब ऑप्शनों के साथ खेलना शुरू करते हैं तो आप पाओगे कि ऑप्शन सीधे सीधे बोले मैं भी जा रहा हूँ, वो ऑप्शन बोले बी वाला बोले मैं भी जा रहा हूँ, टी वाला बोलेगा मैं भी जा रहा हूँ, बोले कौन बचा, सी वाला, सब ऐसे बाय बोल के निकल लेंगे और एक ही ऑप्शन बचेगा, ठीक है। अब मिल्क प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाश्चराइज्ड और बॉइल्ड मिल्क बाय सोरिंग नेचुरल और अदरवाइज बाय हार्मलेस लैक्टिक एसिड की बात करी भैया, और अदर बैक्टीरियल कल्चर इज कॉल्ड एस, हिंदी में पढ़ते हैं पाश्चुरीकृत या उबले हुए दूध से खट्टा प्राकृतिक अन्यथा हानि रहित लैक्टिक एसिड अन्य जीवाणु, देखो भलती सलती बातें लिख रहा है लेकिन पढ़ते के साथ समझ में आ रहा है कि दही की बात चल रही है भैया, है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, खत्म क्वेश्चन है। अगला, बटर इज प्रिंसिपली कंपोज दो, मतलब बटर किससे किससे बना होता है, मिल्क, मिल्क के बाद मिल्क का क्या, मिल्क फैट, ऑप्शन भर के देखते, मॉइस्चर, साल्ट और कर्ड, क्या बटर के अंदर ये सब मिलेंगे आपको, बटर के अंदर सब मिलेंगे, क्या मिल्क फैट होता है बटर के अंदर, हाँ होता भैया 80% होता है, मॉइस्चर हाँ भैया 16% होता है, साल्ट, साल्ट होते हाँ 2 से 2.5% साल्ट होते हैं, और कर्ड कंटेंट हाँ होता है ना भैया, जो 4% होता है उसके अंदर 2 से 2.5% क्या होता है, साल्ट होता है, जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो कर्ड कंटेंट का ही तो होता है, मतलब ये तो पूरी पूरी डेफिनेशन इसने लिख दी है, तो एक उत्तर ही सही हो गया, फैट मॉइस्चर शुगर, भागो उधर, फैट मॉइस्चर साल्ट क्रीम, हाँ जब फैट आ गया तो फिर क्रीम अलग से क्यों आएगा, मिल्क मॉइस्चर, मिल्क कहाँ से आ गया भैया, मिल्क तो बचेगा ही नहीं ना क्योंकि लैक्टिक एसिड आ गया, एक ही उत्तर सही है ना। चलो, मिल्क पाउडर कंटेनिंग मॉइस्चर इन परसेंटेज इस, पूछ रहा है कि पाउडर दूध में नमी का प्रतिशत क्या है, हम जानते हैं 4 से 5% मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम 5% जा सकता है मामला, है ना, और अगर बहुत देखा जाए तो 2 से 3% आपकी टेबल में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन याद आ सकता है कि मिल्क पाउडर में कितना मॉइस्चर हो सकता है, तो 2 से 3 भी सही होता है, 5% और लेस देन 5, बिल्कुल सही बात है ना, 5% ऐसे देख भागो उधर, 8% की तो बात ही नहीं होना चाहिए यहाँ पर,
अगला क्वेश्चन, फैट परसेंटेज इन कमर्शियल बटर इज 80% भैया। चलो अगला क्वेश्चन, अब प्रोडक्ट, भयंकर क्वेश्चन है भैया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा तो पहले देख के इच्छा ही नहीं करेगी इसको पढ़ू भी, ऐसा लग रहा है कि छोड़ने के लिए आया है, लेकिन छोड़ने के लिए थोड़ी ना, पकड़ने के लिए आया है। क्या उत्तर? अ प्रोडक्ट मेड फ्रॉम कर्ड, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कर्ड से बनता है, बाय कोगुलेटिंग, और वो कर्ड जो बना है वो कोगुलेशन से बना, कोगुलेटिंग द केसिन विद द हेल्प ऑफ रेनेट। आहा, रेनेट आ गया, किसकी बात हो रही है भैया, पनीर की या चीज की बात हो रही है, पनीर की या चीज की बात हो रही है। लेकिन सर एक मिनट, क्या बोला, पनीर की या सर, एक में चीज मिल रहा है, दूसरे में पनीर मिल रहा है, एक में चीज मिल रहा है, दूसरे में पनीर मिल रहा है, सर अत्याचार हो गया क्या, क्वेश्चन कैंसिल होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो सही है उसकी जगह पर, पनीर और चीज दोनों दोनों अलग होते हैं। पहले तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं, हेल्प ऑफ रेनेट से केसिन को क्या करते हैं, कोगुलेट करते हैं, और सिमिलर एंजाइम द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस बाय एडवेंटिट्यूस, क्या बोला है, एडवेंटिट्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द मॉइस्चर हैज बीन रिमूव्ड बाय कटिंग। अरे अपन कर्ड को काटते नहीं, मॉइस्चर रिमूव होता है, उसके बाद में कुकिंग करते हैं 36 से 40 डिग्री टेम्परेचर पर, और प्रेसिंग जिसे हुपिंग भी बोलते हैं, विच हैज़ बीन शेप्ड मोल्ड एंड देन राइपन्ड बाय होल्डिंग फॉर सम टाइम सुटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड, कहने का मतलब उसने चार लाइन में पूरी प्रोसेस लिख दी है चीज़ मेकिंग की, उसने चार लाइन में पूरी प्रोसेस लिख दी है। सर आप चीज़ क्यों बोल रहे हो, आप पनीर भी बोल दो, हम हिंदी मीडियम वालों को बुरा लग रहा है, बेटा तुमको बुरा लग रहा है, मेरे को एहसास है उस बात का, लेकिन आपको एक चीज़ समझना पड़ेगी कि पनीर और चीज़ दोनों अलग अलग होते हैं, क्या होते हैं, पनीर और चीज़ दोनों अलग अलग होते हैं। तो हम बात करते हैं पनीर की, हिंदी मीडियम वालों, पनीर है ना, चीज़ तो उसने बना के बता दिया, पनीर क्या है बेटा, कुछ नहीं करना, मेल कर लेते हैं उसको, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, और जब गर्म करते हैं उसी टाइम उसमें हम मिला देते हैं लैक्टिक एसिड, क्या मिला देते बेटा, लैक्टिक एसिड, हेलो, लैक्टिक एसिड या कोई सा दूसरा एसिड भी आप मिला सकते हो, कुल मिला के उसमें एसिड मिला देंगे, एसिड मिलाने के बाद दूध क्या हो जाएगा बेटा, फट जाएगा, क्या बन जाएगा, फट जाएगा, और फटे हुए दूध में से क्या रिमूव कर देंगे हम, वाटर, और जो बचेगा वही आपका क्या रहेगा, उसको अगर हम प्रेस कर देंगे तो बन जाएगा आपका चीज़ नहीं सॉरी पनीर। और जब घरों में शाम को मेहमान आने वाले होते हैं तो माता जी या घर में जो भी महिला रहती है वो क्या होता है, शाम को मेहमान आने वाले और सुबह उनको पता चल जाए तो शाम तक घर में ही पनीर तैयार हो जाता है, तो घर में पनीर तैयार होता है, घर में चीज़ तैयार नहीं होता, चीज़ के लिए समय लगता है ना, और तो घर में जो तैयार होता है बेटा वो पनीर तैयार होता है, पनीर और चीज़ दोनों अलग अलग होते हैं। अगर मैं आपको सही सही बताऊं तो सही बात यह है कि जो पनीर होता है वो एसिड कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट है, वही अगर मैं चीज़ की बात करूँ तो वो कैसे कोगुलेटेड है बेटा, वो एक एंजाइम कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट है। भैया मैंने क्या बोला है, पनीर एक एसिड कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट है, वहीं पर चीज़ एक एंजाइम कोगुलेटेड मिल्क का प्रोडक्ट है, लेकिन जैसा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, हम चीज़ और पनीर को एक ही मानते आए थे आज तक, लेकिन लास्ट टाइम उसने दे दिया क्वेश्चन, क्योंकि इसके पहले उसने दिया नहीं था, इसलिए हो गया लफड़ा, है ना। तो हमें थोड़ी ना जानकारी होती है कि इतनी अंदर से भी वो जाएगा, इतने अंदर का पूछ सकता है, ऐसे तो बोला जाए तो दही और योगर्ट में भी कितना अंतर होता है, लेकिन हम क्या हर चीज़ को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट में क्या होता है कि छोटी छोटी प्रोसेस का अंतर हो जाता है। जैसे अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूँ तो हर एक बैक्टीरिया के लिए एक स्पेशल टेम्परेचर होता है, हम हर किसी का टेम्परेचर याद करते ना थोड़ी ना फिरेंगे, है ना। तो हमें कॉमन हमारा सिलेबस लेके चलते हैं, कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा आड़े तिरछे आ जाते हैं, तो उसका शौक नहीं मनाना, क्योंकि जो तुम्हारा सही नहीं जाएगा, पढ़ने वाले व्यक्ति का, वो किसी का सही नहीं जाएगा। तो याद रखना, पनीर क्या करते हैं, मिल्क लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, और गर्म दूध में ही, है ना, इसको ठंडा नहीं किया है ना, गर्म दूध में ही लैक्टिक एसिड गर्म दूध में ही मिला दिया जाता है, ठीक है। तो ये है, आगे चलते बेटा,
द परसेंटेज, आगे नहीं चलते पहले उसको पढ़ लेते हैं। तो क्या इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा? तो हिंदी मीडियम वालों का थोड़ा सा लफड़ा हो गया था पिछली बार। हिंदी मीडियम वाले क्या लगा के आ गए थे, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन, हिंदी मीडियम वाले लगा के आ गए थे पनीर, इंग्लिश वाले लगा के आ गए चीज़, क्योंकि जो जिस मीडियम का तो उसका काम कर दिया। लेकिन इसका सही उत्तर क्या बेटा? चीज़, पनीर इसका सही उत्तर नहीं होगा। बढ़ते हम आगे। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन क्रीम इज, क्रीम में वाटर का परसेंटेज पूछा है। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो 36 से लेकर डिफरेंट टाइप की क्रीम होती है, टेबल क्रीम, कॉफ़ी क्रीम, लाइट क्रीम, ये तो एक ही है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो व्हिपिंग क्रीम होती है, हेवी क्रीम होती है, इन डिफरेंट क्रीम में क्या होता है, 36 से लेकर 70% तक पानी होता है ना। तो लगाना है भैया इसका सही उत्तर, तो थोड़ा देख दाख के लगा दो। तो छाछट का जो सही उत्तर होने वाला है, उसके हमको तो केवल एक ही उत्तर दिखाई दे रहा है और वह डी है ना। तो आप लगा सकते थे, अगर आप ये टेबल अच्छे से याद करके गए थे तो आप उत्तर को सही कर सकते थे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कॉफ़ी क्रीम, मध्यम क्रीम, गाढ़ी क्रीम, मतलब कि कॉफ़ी, व्हिपिंग या लाइट, और इसका होता है हेवी क्रीम है ना। तो यार 36 से लेकर 70 तक मॉइस्चर परसेंटेज है ये, आप उत्तर आसानी से ठीक कर सकते थे। आगे ऐसे ने परसेंटेज ऑफ क्रीम, हाँ इस क्वेश्चन का मैं ज़रूर से मान सकता हूँ कि थोड़ा सा एक्सरसाइज कराने वाला क्वेश्चन है ना, कि आपको पहले तो टोटल सॉलिड पता होना चाहिए। अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो टेबल के सारे सॉलिड जोड़कर आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये जोड़ोगे। हेलो कहाँ गया? हेलो, देखो ये टेबल दिया है, इस टेबल में पहला कंटेंट तो का आएगा बेटा, वाटर का। दूसरा क्या है? फैट का। तो अगर आपको SNF चाहिए तो इनको जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद जिसके आसपास नज़र आ रहा है वो हमें लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 67 क्या बोलता है, 67 नंबर का क्वेश्चन हमारा बोलता है कि मलाई का SNF परसेंटेज क्या है, 5.55, 6.60, 8.8, 7.88, 6.60, 7.68। तो बेटा ये एक्सरसाइज कराने वाला क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन को ठीक से सोल्व करोगे तो आप पाओगे तो उत्तर क्या आ रहा है, इसके आसपास आ रहा है। लेकिन फिर बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपका गलत जा भी रहा है तो ज़्यादा लोड नहीं लेना, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसे क्वेश्चनों में सही ही होते हैं, क्यों? क्योंकि थोड़ा एक्सरसाइज कराने वाला, क्वेश्चन बुरा नहीं है, एक्सरसाइज करा रहा है बस केवल। और उसके बाद में भी क्या है कि जो डाटा है बहुत पास पास है, तो गलत जाने के चांसेस भी है। तो ऐसे क्वेश्चनों पे ज़्यादा लोड नहीं लेना, क्यों? क्योंकि ये उसने जो डाटा लिखा लिखा है ये कौन सी बुक को रेफरेंस मानकर लिया ये भी अपने को पता नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन कैंसिल होने के लिए भी आते हैं। तो इसका सही उत्तर उसने माना है 4.55 है, 6.80। बढ़ते आगे, फिर बोल रहा हूँ क्रीम के भर भर के क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम है ना। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ फैट इन क्रीम, ये भी लास्ट टाइम जो 3-4 क्वेश्चन बताए ना, सब लास्ट ईयर के हैं। मलाई में वसा का प्रतिशत का रासायनिक संरचना है। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, अब ये गलत करके आ रहे हो तो ये आपकी गलती है। हम जानते हैं कि 20 से लेकर 85% तक क्रीम में वसा होती है, और जो मैक्सिमम होती है वो 85% होती है, 85 से ज़्यादा वसा क्रीम में नहीं होती। 90 हो ही नहीं सकता, 80 हो सकती है, लेकिन 80 होगी ये सही नहीं है। 50 से 60% हाँ होती है, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें क्या बोल रहा है कि 25 से लेकर 60% तक। तो ये उसका सही उत्तर था है ना, और सही उत्तर यही होना भी चाहिए। आगे है, व्हाट इज द मिल्क फैट परसेंटेज इन क्रीम। देखो लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ 4 से 6 क्वेश्चन आए थे क्रीम से, एक एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। देखो क्रीम में फैट परसेंटेज और क्रीम में ही फैट परसेंटेज, मतलब वही है ना कि जब व्यापम वाले, इसके लास्ट के लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क है उसमें से क्वेश्चन आए थे, तो उसने थोक में काओ मिल्क का पीएच बताइए, बफेलो मिल्क का पीएच बताइए, नॉर्मल मिल्क का पीएच बताइए। तो भैया ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना बताए जाते हैं, एक कोई 4 लाइन उठा लो और 4 लाइन में से 3 क्वेश्चन बना दो, कोई एक सिंगल टॉपिक उठा लो उसमें से 4 क्वेश्चन बना। तो भाई ये व्यापम तंबाकू फंसे और बोले चलो पेपर बनाएंगे, तो भैया ऐसे नहीं होता, ध्यान रखना चाहिए पेपर बनाते वक्त। लेकिन क्या बोले, हालत ख़राब है शिक्षा की। व्हाट इज़ द मिल्क फैट परसेंटेज क्रीम, हम जानते हैं 25 से लेकर हमने 85 पढ़ा हुआ है, अगेन वही बात रिपीट कर रहा हूँ, मैक्सिमम 85 है, लेकिन अगर सही बात बोले तो क्रीम में वसा कम भी हो सकती है 10 से लेकर 85% तक। लेकिन अगर हम मैक्सिमम 85 मानकर भी अगर हम सोल्व करने जाए तो 95 आ रहा, ये हो नहीं सकता,
99 हो नहीं सकता, 85 से ज़्यादा जा रहा है क्या, 88 हो नहीं सकता। इन जनरल जो मार्केट में हमें क्रीम मिलती है उसमें ऑल अराउंड 30% या 40% के आसपास, या बोले कि 30 से 50% के आसपास क्या मिलती है अपने को, फैट रिकवरी उसमें मिलती है। तो इससे मिलता जुलता ऑप्शन क्या है बेटा, 30, ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है, ये मैं भी जान रहा हूँ, लेकिन इन क्रीम की बात चल रही है तो क्रीम में हम 10 से 30% लगा सकते हैं। चलो तो ये हमारे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो कुछ चैप्टर बड़ा था, चैप्टर कंफ्यूजिंग भी था, ये भी जानता हूँ। डाटा आप एग्जैक्ट मैच नहीं कर सकते, ये हमारी भी मजबूरी बनती है आपकी भी, क्यों, क्योंकि कुछ डाटा तो जो है अपने नोट्स से एग्जैक्ट मैच खाते हैं। जैसे आपने काउ और बफेलो का अगर फैट परसेंटेज देखा हो तो 37 पॉइंट, मतलब कि वो पॉइंट में भी मैच हो रहा है डाटा, और कभी कभी तो मामला ही अलग चल रहा है। तो क्या है कि अपने एक अच्छी बुक, केवल एक बुक, जैसे अगर हम बात करें दूसरे एग्ज़ामों की, नीट जैसे एग्ज़ामों की बात करें, तो उनका सीधा एक ही कहना पड़ता है कि आप 11th 12th NCERT से पढ़िए, हम उनसे ही पूछते हैं, उसी से क्वेश्चन पेपर बनता है, उसके बाहर कुछ भी नहीं होता। लेकिन ऐसा मामला आज तक एग्रीकल्चर में है नहीं, तो बड़ी समस्या जाती है ना। तो एग्रीकल्चर में भी ऐसा अगर हो जाए तो ना ही टीचर को कन्फ्यूज़न रहेगा, ना ही स्टूडेंट को। कभी कभी क्या है कि इन डाटा में हमको ही बहुत कन्फ्यूजन होता है, बाकी टीचर बोलते हो नहीं बोलते हो, लेकिन जब आड़े तिरछे क्वेश्चन आते हैं ना, टीचर को ही सोल्व करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है। इसमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसे मुझे ढूंढने में काफ़ी वक्त लगा कि यार ये जो उत्तर इसने बोला है ये कहाँ से लाया है, एक्चुअल में कहाँ से ढूंढ के लाया है। तो टीचर से भी नहीं सोल्व हो पाते, वो कोई भी टीचर हो, मेरी बात नहीं कर रहा, एक्स वाई जेड बोल सभी देते हैं कि हाँ हाँ हमको, लेकिन नहीं बनते भाई साहब। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जब आड़े से डाटा वाले, डाटा की बात कर रहा हूँ, बाकी तो बन जाते हैं थ्योरी, मतलब जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उनको बनाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको बनाने में काफ़ी दिक्कत जाती है। तो उनका कुछ आप चिंता नहीं करना कि यार ऐसा क्वेश्चन आया वैसा क्वेश्चन आया। अगर पढ़ने के बाद में कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन आपसे क्या किसी से नहीं बनेगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, ये हमारा जो डेयरी का कार्यक्रम था, जो डेयरी का कार्यक्रम है ये ख़त्म हो चुका है, आगे हम क्रॉप प्रोडक्शन शुरू करेंगे जल्दी ही, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन के धीरे धीरे चैप्टर अपन निपटाएंगे, उसके बाद में बायोलॉजी की भी कोशिश की जा रही है कि बायोलॉजी के जल्द से जल्द अपने जो PYQ है उसकी सीरीज चालू की जाए। तो ये हमारा डेयरी का काम आज ख़त्म होता है, कल से क्रॉप प्रोडक्शन चालू होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि उनका फ़ायदा हो सके। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।